गुड इवनिंग वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, फटाफट सब लोग ज्वाइन करो। वॉइस क्लियर है? एक बार कन्फर्म कर लेना सभी लोग। ओके 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 दिव्यांशु, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यांश क्या पढ़ाएगा? कुछ भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, कुछ भी पढ़ा देंगे। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, समझना बात को। अगर हम बात करें कि आपका जो लास्ट पेपर डेट इज थर्मल इंजीनियरिंग 1 है, रोशन सर पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं, सभी तरीके अच्छे से क्या कर पढ़ा चुके हैं। केवल एक टॉपिक इसमें हम केवल पढ़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं, केवल रिविजन पार्ट है। डेट इज आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग 1 में अगर हम देखें तो जो लास्ट यूनिट है डेट इज यूनिट नंबर 5। कौन सा भाव? यूनिट नंबर 5 में जो लास्ट यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है डेट इज हम बोल सकते हैं पार्ट बी, तो हम बोल सकते हैं क्या कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये आप ऑलरेडी पहले से पढ़ भी चुके होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर में रोशन सर डाले हुए थे तो आप पढ़ चुके होंगे। तो इसको केवल थोड़ा सा क्या करते हैं रिवीजन करा देते फटाफट, बाकी फिर से आपका रोशन सर का रिवीजन क्लास शाम में इवनिंग में फिर से उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर, तो सबसे पहला बात तो ये कि अगर आप पिछले 2 या 3 साल का क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो ये जो पार्ट से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पार्ट से कम अगर ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो इससे कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव तो जरूर आ रहा है। मतलब मिनिमम अगर हम बात करें तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और एक क्या हो रहा बाबू, एक चार नंबर या 6 नंबर में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आते रह रहा है। तो अच्छा खासा इसका भी वेटेज है, तो इसको भी छोड़ना नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। एकदम शॉर्ट में बात करेंगे कि जितना कि मेन उद्देश्य ये होना चाहिए ना कि चूंकि इससे जो इस पार्ट से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें और करके हो सकता है कि कंप्रेसर का भी पार्ट रहे, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली इस पार्ट में आपका जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसको पकड़ना सबसे पहले क्या बहुत ही जरूरी है बाबू, समझ में आ रहा है? तो मेन फोकस भी रहेगा कि इस पार्ट को कवर करें फटाफट। आप ऑलरेडी पहले से पढ़ भी चुके होंगे, प्रिंस मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा का क्लास होगा बाबू, हार्डली हम 6:30 से 7:30 तक छोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ समझना बात को, तो ही बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाबू तो इस पार्ट में यूनिट नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है डेट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो नाम ही क्या, 2 पार्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो जो पहला पार्ट है वो क्या है, रेफ्रिजरेशन है, और दूसरा जो पार्ट है डेट इज क्या वो एयर कंडीशनिंग है। और दोनों को हम अलग अलग से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का बात करें तो आपके दिमाग में 2 एग्जाम्पल एकदम ले लो, पूरा खत्म हो जाएगा। पहला, जब आप रेफ्रिजरेशन पार्ट पढ़ रहे हो, जब आप रेफ्रिजरेशन पार्ट पढ़ रहे हैं तो घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है, जो हम सभी के घर में डोमेस्टिक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, आप उसको ध्यान में रखो। और जब भी आप एयर कंडीशनिंग पार्ट पढ़ रहे हो तो देखते हो क्या कि जाके समर का बात करें या विंटर का बात करें, घर में क्या होता है एयर एसी लगा हुआ रहता है, ऑफिसेज में क्या देखते हैं कि एसी लगा हुआ रहता है, डेडी एयर कंडीशनिंग। तो इसका आप एग्जांपल दिमाग में रखिएगा तो बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं, पहला पार्ट डेडी रेफ्रिजरेशन से हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। पाला ही हो सकता है कि 2 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए आ जाए कि व्हाट डू मीन बाई, हाँ ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे बाबू, व्हाट डू मीन बाय रेफ्रिजरेशन, व्हाट डू मीन बाय रेफ्रिजरेशन। तो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन का बात करें तो इस सब टोटल टॉपिक समझ में, केवल एक एग्जांपल को थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आप पूरा समझिए मेरे साथ, पूरा रेफ्रिजरेशन पार्ट खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 10 मिनट मेरे साथ तुम क्या करो बाबू, समझ लो बात को। ओके मनीष, हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, रिकॉर्डेड में सर दिए हुए ऑलरेडी और अभी हम पढ़ा दे रहे हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां समझ जाए 10 मिनट मेरे साथ ध्यान दो। अगर हम बात करें बाबू सबसे पहले क्या कि घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज होता है ते तो आप हम सभी लोग क्या करते हो, देखे हुए हैं। अब बताओ कि घर में जो फ्रिज है उसका मतलब क्या है, उसका काम क्या है। तो अगर हम बात करें कि जो भी आप देखिए घर में जो फ्रिज में कहीं क्या होता है कि इस जिस जगह पे, इस सब जगह पे क्या होता हो कि वेजिटेबल्स हो गया,
खाना जो बचा हुआ है ये सबको हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर कोई आइसक्रीम जमाना हो, आइसक्रीम रखना हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सब आइसक्रीम ही सब रखे हुए रहते हैं। आइस जमाना, बर्फ जमाना हो, तो यहाँ पे क्या करते हो कि यहाँ पे जमता है। मतलब क्या, ये वह जगह है, यहाँ पे ये वाला वह जगह है जहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग, जो रूम का जो टेम्परेचर है उससे क्या वो कम होता है, ये चीज़ तो मालूम है। और मान लो सपोज कि आप अगर डोमेस्टिक फ्रिज देखेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मेनली सपोज करो क्या कि 8 डिग्री सी, 6 डिग्री सी, मान लीजिए आपको टेम्परेचर क्या करना, मेंटेन करना है, तो बाहर जो रूम टेम्परेचर जो है, जिस रूम में फ्रिज रखा हुआ है, तो बाहर का टेम्परेचर कितना, वो सपोज करो कितना है, 27 डिग्री सी है। अब बताइए कि दिन में बहुत बार क्या होता है कि इस गेट को ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो इसी का तो बाहर का हीट हमेशा मालूम है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करता है, हाई टेम्परेचर से लो के तरफ ट्रेवल करता है। तो जब आप गेट फ्रिज का खोलते हैं तो बाहर से हीट क्या करता है, इस जगह पे क्या कर जाता है बाबू, चला जाता है, ट्रांसफर होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ का हीट टेम्परेचर क्या जाता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या जाता है, बढ़ जाता है। अब बताओ कि अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो यहाँ का जो भी खाना है तो हाई टेम्परेचर पे खराब हो सकता है, अगर आइसक्रीम है तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकता है, अगर आप बर्फ को जमाए हुए हैं तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा। तो मतलब क्या है कि जैसा पहले जिस स्टेट में था, अगर आप उसी स्टेट में अगर आप चाहिएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो भी हीट बाहर से इसमें इंटर किया या सभी सब्सटेंस कुछ ना कुछ इसमें रेडिएशन हो रहा है बाबू, तो मतलब क्या है कि जो रेडिएशन के कारण जो हीट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सभी हीट को हमें क्या करना होगा, यहाँ से बाबू हटाना होगा, यहाँ से हीट से हीट को क्या करना होगा, विड्रॉ करना होगा, मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हीट, यहाँ से हमें हीट क्या करना होगा बाबू, हटाना होगा, रिमूवल ऑफ हीट। तभी क्या होगा कि आपको यहाँ का जो टेम्परेचर, जो डिजायर टेम्परेचर आप चाह रहे हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो, सपोज कि आप 8 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं, ये वेरी कर सकता है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, सीजन टू सीजन क्या करता है, वेरी करते रहता है। तो यहाँ से आपको कंटिन्यूसली हीट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ये चीज़ हमको मालूम है कि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप हीट क्या करेगा, ट्रैवल नहीं करेगा। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्या करना है, ट्रैवल करना, मतलब कि हटाना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रिज में पीछे में एक होता है, वो यहाँ पे कंप्रेसर होता है, क्या होता है, कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर एक तरीके से क्या है कि आप देखते हो कि ये कंप्रेसर का वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है। तो इसमें बहुत सारे क्या था, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे इसमें क्या होता है, पार्ट होते हैं। तो समझना बात को ध्यान से, प्रॉपर तरीके से समझना कि एक घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है, एक घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है तो कैसे वर्क करता है, इसको अगर आप समझ गए तो पूरा रेफ्रिजरेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो इसीलिए 10 मिनट पूरी तरीके से समझो बात को, यहां पे समझिए। अब यहाँ देखिए, तो घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है तो मेनली इसमें 4 कंपोनेंट होता है, मेनली कितना वो 4 कंपोनेंट होता है। समझना बात को, एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है इवापोरेटर, क्या कहलाता है, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है, इवापोरेटर होता है, क्या होता है, इवापोरेटर। एकदम बेसिक दम समझते चलो बात को पूरा ध्यान से, पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इवापोरेटर होता है। इवापोरेटर एक तरीके से हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, क्या वो हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, मतलब ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस बोलने का मतलब क्या, समझना बात को ध्यान से। अंदर में क्या होता है कि एक ट्यूब होता है, हॉलो पाइप होता है, बेंड फॉर्म में होता है, इस तरीके से हॉलो पाइप होता है। इस हॉलो पाइप से एक रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है हम बात अभी आगे हम समझाएंगे, अभी इतना समझना कि जो वर्किंग फ्लूड है, मतलब यहाँ से जो हीट लेकर बाहर जाएगा तो कोई तो ट्रांसपोर्टर होगा जो कि यहाँ से हीट को लेकर बाहर रिजेक्ट करेगा, तो जो वर्किंग फ्लूड है उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो जो वर्किंग फ्लूड है तो यहाँ पे क्या करता है, इस हॉलो पाइप से में क्या करता है कि बाहर से लिक्विड स्टेट में क्या करता है, इंटर किया, कौन सा स्टेट में बाबू, लिक्विड स्टेट में इंटर किया, एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे इंटर करता है। अब चूंकि लो प्रेशर लो टेम्परेचर इंटर कर रहा है तो यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूड जो रेफ्रिजरेंट है इसमें ट्यूब के अंदर से क्या कर रहा है, एक तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इस रीजन में क्या है कि एक तरीके से लो टेम्परेचर जनरेट हो गया, लो टेम्परेचर जनरेट हुआ। अब समझना बात को कि जहाँ पे ये सब रखा हुआ वस्तु, जिसको बोलते हैं मतलब क्या कि स्पेस है,
रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, तो यहाँ से हीट क्या प्रोड्यूस होती है, अभी तो हमें इस हीट को बाहर क्या करना है, रिजेक्ट करना है। मतलब क्या कि ये क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो ये क्या करता है कि ये जो आपका ये रेफ्रिजरेंट है, जो लिक्विड है वर्किंग फ्लूड, ये क्या करता है कि यहाँ से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और मान लो कि 8 डिग्री सी टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, तो इसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको बाहर रिजेक्ट करना है उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ हीट डैट शुड बी रिजेक्टेड। तो ये जो हीट कौन एब्जॉर्ब कर, यहाँ पे इवापोरेटर में ये हीट क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अब इसके कारण जब यहाँ पे हीट ऐड होगा तो ये क्या होगा, रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड स्टेट में है तो ये हीट जब कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करेगा इसका टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ेगा। टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, मतलब प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ते 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 अब ये जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से वेपर में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो, क्यों, क्योंकि हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक तरीके से आउट होगा रेफ्रिजरेंट, तो किस स्टेट में आउट होता है, वेपर फॉर्म में क्या होता है, आउट होता है। तो जहाँ पे ये प्रक्रिया होता है इसको कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, वो इसको कहते हैं इवापोरेटर। क्या कहते हैं वो, इवापोरेटर, एकदम समझते चलो बात को, इसको क्या कहते हैं वो, इवापोरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवापोरेटर कहते हैं। और ये जो हीट जहां से रिजेक्ट किया है इस स्पेस को कहते हैं कौन सा भाव, रेफ्रिजरेटेड स्पेस। कौन सा स्पेस कहते हैं भाव, रेफ्रिजरेटेड स्पेस। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्पेस। मान लो कि घर में ही जहां पे आइसक्रीम सब रखा हुआ, इस जगह पे क्या, मान लो सपोज कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम रखा हुआ है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इस हीट को यहाँ से क्या करें, खींच लिया कौन बाबू, ये इवापोरेटर यहाँ से क्या करता है, खींच लेता है। अब समझना बात को कि इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट का वेपर फॉर्म में है लेकिन प्रेशर अभी भी क्या कम है, टेम्परेचर क्या कम है। इसके बाद जो अगला जो कंपोनेंट होता है बाबू, अगला जो कंपोनेंट होता है वो होता है डेट इज कंप्रेसर। क्या होता है, कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या होता है, आपको मालूम है कि कंप्रेसर क्या करता है, किसी भी गैस फ्लूड को, मेनली एयर का बात करें, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करें उसका बात करें, उसका क्या करता है, प्रेशर टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ा देता है। प्रेशर टेम्परेचर क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे कंप्रेसर, ऐसे समझना बात को, यहाँ पे क्या समझना, कंप्रेसर समझो, या एक काम करो, इतना लंबा डायग्राम बनाने से अच्छा है क्या कि एक कंपोनेंट यहाँ पे समझो क्या कि यहाँ पे कंप्रेसर है, क्या वो कंप्रेसर है। इसके बाद ये जो जाता है कहाँ पे जाता है बाबू, कि एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे लो, यहाँ पे क्या कहते हैं, कंप्रेसर। यहाँ पे क्या वो यूनिट, इस यूनिट का नाम क्या बाबू, एक मिनट, इस यूनिट का नाम क्या है, कंप्रेसर। क्या वो कंप्रेसर क्या है, एक यूनिट क्या वो, कंप्रेसर। क्या वो कंप्रेसर, अभी शॉर्ट में तो समझते हैं। ये कंप्रेसर क्या करता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट जो इंटर किया तो कंप्रेसर का काम क्या, प्रेशर टेम्परेचर क्या कर देना, बढ़ा देना। प्रेशर टेम्परेचर क्या कर देना, बढ़ा देना। इसका मतलब कि यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट आउट होता है तो उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। अब बताओ ये कंप्रेसर क्या अपने खुद चलेगा, नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मतलब जो घर में जो फ्रिज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसका मतलब बाहर से क्या कर रहा है वो, कि वर्क इनपुट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इनर्जी दे रहे हैं, वर्क इनपुट के रूप में बाहर से इनर्जी देते हैं। अब यहाँ पर बताओ कि यहाँ जो कंप्रेसर में जो इंटर किया रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट में, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर इंटर करता है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे क्या कर रहा है बाबू, इंटर कर रहा है। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे क्या कर रहा है बाबू, इंटर कर रहा है। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। और जब कंप्रेसर से जो आउट होता है रेफ्रिजरेंट तो उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे बाहर निकल रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, समझना बात को, कि इसके बाद क्या होगा भाऊ, कि यहाँ पे समझना बात को कि अब क्या है कि इस रेफ्रिजरेंट का जो हाई प्रेशर हाइट में, तो यहाँ से हीट आप देखते होंगे कि फ्रिज के पीछे आप ऐसा क्वाइल देखते होंगे, इस तरीके का आप अगर डोमेस्टिक फ्रिज अगर आप देखे होंगे तो फ्रिज का पीछे वाला पार्ट में ऐसा क्वाइल होता है, इस तरीके से क्या होता है, क्वाइल आप देखते होंगे, ये कंडेंसर है बाबू। ये क्या हो, कंडेंसर है। आप यहाँ अगर पीछे हाथ रखिएगा तो आपको गर्म महसूस होगा, पीछे आगे तो क्या होगा, हाथ स्पीड में ही कर देंगे बाबू, तो पीछे क्या होगा, जो गर्म आपको हवा निकलेगा। मतलब क्या कि इसके बाद जो कंपोनेंट होता है
वो क्या आता है, उसका जो नाम कहलाता है वो क्या कहलाता है, कंडेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कंडेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसर। और कंडेंसर से क्या होता है कि पीछे सराउंडिंग में हीट क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। सराउंडिंग में हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, सराउंडिंग में हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट, और कंडेंसर के द्वारा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्यूसी बोलते हैं। क्या होते हैं, क्यूसी। तो ये भी एक तरीके से क्या, हीट एक्सचेंजर ही है। ये भी एक तरीके से क्या हो, हीट एक्सचेंजर है कि मतलब क्या, अंदर में हॉलो ट्यूब पाइप है बहुत, उसके अंदर से क्या करता है, उसके अंदर से क्या करता है कि आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है और हीट सराउंडिंग में क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या बहुत, जल्दी बताओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं वो, कंडेंसर। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। अब समझना बात को कि यहाँ पे जो कंडेंसर जो इंटी हो रहा है, तो रेफ्रिजरेंट का स्टेट क्या है, वेपर है। अभी इंटी हो वेपर, लेकिन जब इस कंडेंसर से आउट हुआ तो इसका स्टेट क्या हो जाता है, फिर से वापस क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। फिर से वापस क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि वापस फिर से, अब हमको सेम रेफ्रिजरेंट को, अब इसका हीट रिजेक्ट होता है, इसका टेम्परेचर कम गया लेकिन प्रेशर अभी भी हाई है, प्रेशर अभी भी क्या हाई है। तो हमें यहाँ जो फिर से नेक्स्ट साइकिल में इस इवापोरेटर में सेम रेफ्रिजरेंट को यूज़ करना है, तो उसके लिए हमको प्रेशर भी क्या करने को, रिड्यूस करना होगा। मतलब एक प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस लगा रहता है, सिंपल प्रेशर हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं थ्रोटल वाल्व। अभी उतना डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। मतलब क्या, थ्रोटल वाल्व कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका, अगर बात करें तो यहाँ से आप यहाँ देखना कि अब हमें क्या करना है, इसका प्रेशर तो एक और कंपोनेंट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, डेट इज क्या बाबू, डेट इज हम बोल सकते हैं क्या कि थ्रोटल वाल्व। डेट इज क्या बाबू, थ्रोटल वाल्व। डेट इज क्या बाबू, थ्रोटल वाल्व। डेट इज क्या है, थ्रोटल वाल्व। क्या हो, थ्रोटल वाल्व। एकदम समझते चला बात को, तो इस कंपोनेंट का नाम क्या हो, थ्रोटल वाल्व। इस कंपोनेंट का नाम क्या हो, थ्रोटल वाल्व। एकदम इस लाइन डायग्राम को एकदम समझ जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट है बाबू। इस लाइन डायग्राम को समझ गए, पहला जो पार्ट है आपका रेफ्रिजरेशन पार्ट, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझना बात को कि घर में जो फ्रिज है, तो उसमें मेनली चार कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक क्या कहलाएगा वो, इवापोरेटर। दूसरा क्या कहलाएगा, कंप्रेसर। तीसरा क्या होगा बाबू, तीसरा क्या होगा, कंडेंसर होगा। और चौथा क्या होगा, थ्रोटल वाल्व होगा। अब सुना बात को कि यहाँ पे जो इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है लिक्विड स्टेट में, इससे क्या हो रहा है कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस जहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करना है, वहाँ से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये रेफ्रिजरेंट जिस जगह पे, तो इससे क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, फाइनली उसका स्टेट चेंज होगा। तो लिक्विड से जब इस इवापोरेटर से बाहर निकलेगा रेफ्रिजरेंट, तो कौन सा स्टेट में, वेपर स्टेट में, लेकिन इसका प्रेशर टेम्परेचर अभी भी क्या कम है। उसके बाद कंपोनेंट क्या, कंप्रेसर होगा, जो कि एक तरीके से वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो ये कंप्रेसर क्या करेगा, इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेप जब बढ़ा देगा, तो उसके बाद क्या होता है, एक होता है कंडेंसर, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट अपना हीट लूज करेगा सराउंडिंग को, तो इससे क्या होगा कि ये रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर वापस लिक्विड में चल जाएगा। अभी इसका प्रेशर हाई है, लेकिन सेम रेफ्रिजरेंट को फिर से नेक्स्ट साइकिल में यहाँ पे अगर यूज़ करना है, तो उसको प्रेशर रिड्यूस करना होगा। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है थ्रोटल वाल्व, जो कि हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आइसेंथैल्पिक इंथैल्पी का होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत कुछ नहीं है। तो यहाँ से वापस इस साइकिल, मतलब यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ से लिक्विड स्टेट, तो आधे साइकिल के लिए क्या रेफ्रिजरेंट लिक्विड में, और आधे साइकिल क्या वेपर में रेफ्रिजरेंट क्या करा, फ्लो करा। अब जो वर्किंग फ्लूड है, जो कि देख रहे हैं क्या कि इस जगह से यहाँ यहाँ पूरे में रिवॉल्व मूव कर रहा है, जो कि हीट को लेकर कैरी कर रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, उस वर्किंग फ्लूड को कहते हैं बाबू रेफ्रिजरेंट। क्या कहते हैं बाबू, रेफ्रिजरेंट। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट। क्या कहते हैं बाबू, रेफ्रिजरेंट। और जो डिवाइस एक काम कर रहा है, जो डिवाइस एक काम कर रहा है, उसका नाम है वो रेफ्रिजरेटर। जो डिवाइस, पूरे डिवाइस का नाम क्या हो, रेफ्रिजरेटर। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है कि हमें क्या करना है कि इस जगह पे जहाँ पे खाना रखा हुआ है, इस जगह पे सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखना है, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखना, साथ साथ उस टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे क्या कि मान लो कि घर में जो फ्रिज है, तो जहाँ पे आप खाना रखे हुए, तो वहाँ पे आप चाहते हैं क्या कि 8 डिग्री सी टेम्परेचर हो, 8 डिग्री सी टेम्परेचर हो। इसका ये मतलब थोड़ी है कि 8 डिग्री सी एक बार फ्रिज टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, अति प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया फ्रिज का, नहीं। जितना
टाइम के लिए आप चाहते हैं कि 8 डिग्री सी टेम्परेचर रहना चाहिए, उतने टाइम के लिए मेंटेन भी करता है। मतलब क्या है कि डेट इज सबसे पहला पार्ट रेफ्रिजरेशन क्या है। तो सुनिए बात को ध्यान से, मतलब घर में जो फ्रिज है इसको देखो और ये ब्लॉक डायग्राम को देखो, उसके बाद आप देखिए पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। डेट इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट। मतलब इस जगह से हमें क्या करना है, हीट क्या करना है भाव, रिमूव करना है। क्या करना भाव, रिमूव करना है। जहाँ पे खाना रखा हुआ है डेडी, इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस। इस जगह से हमें हीट क्या करना है, रिमूव करना है। फ्रॉम एन इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब एक तरीके से स्पेस का बंद रहता है, और फ्रॉम ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, रिजेक्टिंग एल्सवेयर, कहाँ, सराउंडिंग में रिजेक्ट करते हैं। किस लिए, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस, इस जगह का टेम्परेचर कम करना, किसके मुकाबले, देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। और जब एक बार टेम्परेचर सराउंडिंग से कम हो गया तो साथ साथ उसको मेंटेन भी करना क्या है, वो जरूरी है। दूसरा पॉइंट, रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, अचीविंग का मतलब क्या, वो प्राप्त करना या प्रोवाइडिंग, अचीविंग नहीं लिखा रहा तो प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग ए टेम्परेचर बिलो डेट ऑफ द सराउंडिंग। मेन उद्देश्य यही है कि किसी पार्टिकुलर जगह को या किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को या पार्टिकुलर सब्सटेंस को कूल करना। कूल बोलने का मतलब क्या, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखना, यही क्या हो, रेफ्रिजरेशन। और जो वर्किंग फ्लूड होता है, वर्किंग फ्लूड होता है जो कि पूरे साइकिल के दौरान सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट कर रहा है, जिसके कारण एक तरीके से बोल सकते हैं क्या कि आप हीट को फ्लो करवा रहे, उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और जितना अमाउंट ऑफ हीट आप यहाँ से रिमूव किए हैं सो डैट कि सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करें, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो दो चीज़, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा भाव, यहाँ पर समझना कि यहाँ जो इस जगह से जितना अमाउंट ऑफ हीट ये इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब किया, यही क्यू क्या कहलाएगा भाव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कहने का मतलब क्या, जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर रिजेक्ट हुआ है इस जगह से, सो डेट कि यहाँ का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम हो, तो उसी को कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी। और इसी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को अगर रेट ऑफ रेट के टर्म में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करेगा, तो कहलाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। क्या कहलाता है भाऊ, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाऊ, समझना बात को। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा भाऊ, एम डॉट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आरसी हो जाएगा, एम डॉट इनटू आरई, मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार कभी कभी आया हुआ, इस चीज को याद रखना। अब समझना बात को कि इसमें दो चीज, तो रेफ्रिजरेंट क्या हो गया ये चीज़ समझ में आ रहा, रेफ्रिजरेंट क्या हो गया ये चीज़ समझ में आ गया। टेटिस क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या रेफ्रिजरेंट, एक मिनट, रेफ्रिजरेंट क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, रेफ्रिजरेंट इट इज ए हीट कैरिंग मीडियम, जो हीट को कैरी करके लेके जाता है, रेफ्रिजरेट स्पेसिस सराउंडिंग में ले जा रहा है हीट को, वो मीडियम ट्रांसपोर्टर, उसको क्या कहते हो, रेफ्रिजरेंट। विच ड्यूरिंग देयर साइकिल, कौन सा साइकिल, यहाँ पे कंप्रेशन, कंडेंसेशन, ये सब जो डिफरेंट साइकिल हो रहा है, उस साइकिल के दौरान इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, मतलब इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में हीट को क्या करता हो, रिजेक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। तो जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट। अब समझना बात को कि इतना तो डिटेल में नहीं पूछना चाहिए कि हाँ रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, बहुत होगा हद तक तो रेफ्रिजरेंट क्या है इसका डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि पूछना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस में इतना बड़ा अलग से सब्जेक्ट ही होता है भाऊ। तो लेकिन अगर पूछ भी दिया कि क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप सिंपली बोलिएगा क्या कि बॉइलिंग पॉइंट लो, अभी चुचो रट जाओ, बॉइलिंग पॉइंट लो, नॉन टॉक्सिक, जहरीली नहीं होना चाहिए, लो कॉस्ट, नॉन फ्लेमेबल, मतलब आसानी से क्या करे,
आग नहीं पकड़ ले, नॉन एक्सप्लोसिव और क्या हो कि नॉन कोरोसिव, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। तो ये सब क्या हो कि आपका आसान पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इतना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रेफ्रिजरेंट का डिफिनेशन जरूर पढ़ लेना, कम से कम डिफिनेशन जरूर लिख लेना, डिफिनेशन जरूर। चलिए अब यह समझ बात को, अब यहाँ पे देखिए तो रेफ्रिजरेंट, अब क्या है कि इसमें मेन क्या ऑब्जेक्टिव, तो कुछ कॉमन रेफ्रिजरेंट होता है बाबू, जैसे क्या कॉमन रेफ्रिजरेंट का बोलने का मतलब क्या कि जैसे कि कॉमन रेफ्रिजरेंट के रूप में समझना बात को, अमोनिया NH3, अमोनिया जो कि घर में जो डोमेस्टिक फ्लू होता है, तो अमोनिया R11 R27, एयर जितना भी कुरकुरे चिप्स ऐसे का पैकेट होता है उसमें क्या हो कि बोल सकते हैं, उसके बाद क्या हो कि CO2 जो कुरकुरे सब चिप्स का पैकेट उसमें क्या करते हैं CO2 यूज करते हैं। एयर का कहाँ यूज होता है भाऊ, तो जो एयरक्राफ्ट इंजन होता है, एयरक्राफ्ट इंजन वहाँ पे क्या करते हैं भाऊ कि एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है। CO2 कहाँ है भाऊ, फूड पैकेजिंग जो यूनिट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग यूनिट वहाँ पे क्या करते हैं बाबू, CO2 यूज होता है। तो इसका इतना तो डिटेल में हमको नहीं लगता पूछेगा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ कि इसको थोड़ा सा रट लेना तुम लोग। अमोनिया का यूज कहाँ होता है बाबू, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, आइस मेकिंग में बर्फ जमाने में यूज होता है। एयर का यूज कहाँ होता है, एयर एज ए रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट इंजन एरोप्लेन का बात कर रहे हैं। CO2 कहाँ यूज होता है बाबू, तो जितना भी आपका फूड पैकेजिंग यूनिट है वहाँ पे CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं। R12 जो डोमेस्टिक जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर, पहले अब नहीं, पहले R12 नाम के रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते थे। अब जो यूज होता है घर में डोमेस्टिक फ्रिज, देखते हैं उस पर क्या होता है कि स्टार रेटिंग लगा हुआ रहता है, मतलब क्या कि इको फ्रेंडली स्टार रेटिंग है। इसका मतलब क्या कि अब जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है सब पे स्टार रेटिंग वाला लगा हुआ, इसका मतलब क्या कि जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग उतने ज़्यादा इको फ्रेंडली है, कम पावर कंज्यूम करेगा। तो अब जितना भी अब आपको जो घर में डोमेस्टिक फ्रिज है उसमें एज ए रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं वो R134A यूज करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इको फ्रेंडली है, कौन सा रेफ्रिजरेंट इको फ्रेंडली है, तो R134A इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। केवल यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे जितना, तो इसको थोड़ा सा बेसिक याद कर लेना। एक चीज़ और याद कर लेना, अमोनिया तो देखो कि इसका नोमेनक्लेचर, तो मतलब क्या रेफ्रिजरेंट नंबर है लिखा हुआ, अमोनिया 717, एयर 729, CO2 R जैसे अमोनिया को क्या लिखे बाबू R717, जैसे मना R4 रेफ्रिजरेंट और अमोनिया है, जितना भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है उसको 700 से रिप्रेजेंट करते हैं। R जितना भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है जिसमें कार्बन नहीं है, तो 700 से स्टार्ट होता है, प्लस मॉलिकुलर वेट। तो अमोनिया का मॉलिकुलर वेट कितना आएगा बाबू, अमोनिया का नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14 और 3 17, तो 700 प्लस 17 कितना बाबू R717 आया। एयर का कितना होता बाबू 29 मॉलिकुलर वेट, तो इनऑर्गेनिक है तो R700 प्लस 29 कितना बाबू R729। CO2 कितना हो जाएगा बाबू आपका, तो 44 मॉलिकुलर वेट, तो R700 प्लस क्या बाबू आपका 44 कितना R744। वाटर का कितना होता है 18 होता है बाबू मॉलिकुलर वेट, तो इसका डेजिनेशन क्या हो जाएगा R इसका एक क्या करना कि 718। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, बाकी
नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप करते हो तो रेफ्रिजरेंट का डिफिनेशन जरूर याद रखना। और उसमें से R134a को क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहते हैं। कुरकुरे चिप्स ये सब का जो पैकेट होता है तो उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है, भाव CO2 होता है। एरोप्लेन में एयरक्राफ्ट इंजन में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है भाव, तो एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है। ये सब को बात को याद रखना है, बात समझ आ रहा है। चलिए ये सब इसलिए बता रहे हैं कि मान लो कि एग्जाम में आया ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा सा दिमाग क्लिक कर जाए। अब यहाँ अगर बात समझना तो ये रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे देखो बेसिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बताओ रेफ्रिजरेटर जो डिवाइस ये काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं भाव, रेफ्रिजरेटर। और बताओ कि BME में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BME में अगर हम बात करें तो जो रेफ्रिजरेटर होता है ये पढ़ाए हुए क्या रेफ्रिजरेटर का काम है, कोई बोल सकता है रेफ्रिजरेटर का काम क्या था भाव, बताओ BME में पढ़ाया हुआ चीज़ है रेफ्रिजरेटर का काम क्या है बताओ तो, कि रेफ्रिजरेटर एक तरीके से क्या हो रिवर्स में काम करता है, हीट इंजन के उल्टा काम करता है। कैसे काम करता है सुनो बात को, इस पर न्यूमेरिकल 4 नंबर का एकदम बेसिक आ सकता है और ये आसान है इसलिए कि BME में आप पढ़े हुए तो इसको बढ़िया से देख लो बाबू। तो बताओ कि रेफ्रिजरेटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि हीट इंजन के उल्टा काम करता है। मतलब क्या उल्टा काम, मतलब ऐसे लिखे थे बाबू रेफ्रिजरेटर ER, ये क्या करता है बाबू कि इसको चलने के लिए बाहर से क्या चाहिए बाबू, वर्क इनपुट चाहिए। क्या चाहिए, वर्क इनपुट चाहिए। इसके एवज में ये क्या करता है कि लोअर टेम्परेचर से क्या करता है, हीट क्या करता है बाबू, एब्जॉर्ब करता है। और ये जो लोअर टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे अगर बात करें रेफ्रिजरेशन में तो ये कहलाएगा सिंक कहलाता था बाबू। अरे क्या कहलाता था, सिंक। और ये किस टेम्परेचर पे, TL टेम्परेचर पे। उसके बाद ये क्या करता था, हाइयर टेम्परेचर डेट इज QH डेट इज सोर्स टेम्परेचर पे ये क्या करता था, वो रिजेक्ट करता था। TH टेम्परेचर पे डेट इज ये क्या कहलाता था, सोर्स। और यहाँ पे ये क्या करता था, रिजेक्ट करता था। अब समझना बात को कि यहाँ पे यही जो सिंक जो लोअर टेम्परेचर जगह इसको क्या बोलते बाबू, रेफ्रिजरेटेड स्पेस। क्या बोलते बाबू, रेफ्रिजरेटेड स्पेस। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जहाँ पे आइसक्रीम उसमें रखा हुआ, खाना ना फ्रिज में रखा हुआ, उस जगह को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहते हैं। तो यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ हीट इस जगह से निकाला, इस जगह से जितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया, खींचा, डेट इज ट्यूवेल, यही कहलाता बाबू RE, डेट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या कहलाता बाबू, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब लोअर टेम्परेचर से जितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया, डेट इज क्या बाबू, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब यह समझना बात को कि इसको चलने के लिए क्या चाहिए, वर्क इनपुट लेगा और ये हायर टेम्परेचर क्या करेगा बाबू, रिजेक्ट कर देगा। अब ये जो रेफ्रिजरेटर जो डिवाइस है, डेट इज रेफ्रिजरेटर का डिफिनेशन रख के जाना कि रेफ्रिजरेटर क्या है, तो ये रेफ्रिजरेटर इज ए रिवर्स्ड हीट इंजन, हीट इंजन के उल्टा काम करता है। हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क कंज्यूम कर रहा है। हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या बाबू, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। क्या वो, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक चीज देख लो कि यहाँ से बोल सकते क्या, कि एक तरीके से रिवर्स ऑफ हीट इंजन विच आइदर कूल और मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी T1 लोअर टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन कर किससे, सराउंडिंग टेम्परेचर पे। ये कैसे करता है, दिस इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट, लोअर टेम्परेचर से हीट क्या कर रहा है बाबू, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और हाइयर टेम्परेचर की तरफ क्या कर रहा है बाबू, एक तरीके से डिलीवर कर रहा है। इसको करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क एक्सटर्नली इसको सप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ कि एक बार में बहुत सारा रेफ्रिजरेटर होगा तो सभी रेफ्रिजरेटर को एक दूसरे से कंपेरिजन करना हो तो इसके लिए एक तरीके से एक और अनदर टर्म डिफाइन करते हैं, डेट इज COP। क्या डिफाइन करते हैं बाबू, COP। सबसे पहला बात तो कि COP का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, COP का फुल फॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का सबसे पहला बात तो कि फुल फॉर्म ही याद रखना, डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एकदम याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम भी पढ़ा है कि कोएफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बाबू, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइयर टेम्परेचर भी हो सकता है,
लोअर टेम्परेचर से डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन क्या बाबू, इनर्जी इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनर्जी इनपुट, इनर्जी इनपुट, इनर्जी इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो सकता है बाबू, डिजायर्ड इफेक्ट हीटिंग भी हो सकता है और या डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो सकता है, कूलिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो, कूलिंग भी हो सकता है, कूलिंग भी हो सकता है, हीटिंग भी हो सकता है या कूलिंग भी हो सकता है। और इनर्जी इनपुट रूप में क्या लेता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, वर्क इनपुट रूप में लेता है। इसका मतलब दो चीज आपको हम पढ़ाए क्या, कि एक होता है रेफ्रिजरेटर, एक क्या होता है बहू, रेफ्रिजरेटर, एक क्या है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी पढ़ाएं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा बाबू, लोअर टेम्परेचर, क्या होता है बाबू, मतलब या बोल सकते हो कूलिंग, क्या होता है लोअर टेम्परेचर या कूलिंग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कूलिंग, कूलिंग अपॉन इनर्जी इनपुट, इनर्जी, इनर्जी इनपुट। तो बताओ कि कूलिंग कितना हो जाएगा, कूलिंग इसका मतलब क्या कि QL अपॉन पढ़ाएं बाबू, वर्क इनपुट इक्वल टू QL अपॉन क्या हो जाएगा, QH माइनस QL इक्वल टू, और पढ़ाएं BME में, डेट इस क्या हो जाएगा बाबू, TL अपॉन TH माइनस क्या हो जाएगा वो, TL पढ़ाएं, ये किसका हो गया, COP किसके लिए बाबू, रेफ्रिजरेटर के लिए, COP किसके लिए बाबू, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो ये चीज़ तो पढ़ा चुके हैं, BME में पढ़ना था तो सबसे आसान है, वहाँ भी आया यहाँ भी आ सकता है, याद हो गया। अगर यही चीज़ हीट पंप रहता तो क्या हो जाता बाबू, हीट पंप रहता तो कोई बता सकता है, हीट पंप अगर हो जाता तो क्या हो जाता, हीट पंप के केस में, हीट पंप के केस में क्या हो जाता बाबू, QH क्या हो जाता, डिजायर्ड इफेक्ट हाइयर टेम्परेचर, QH अपॉन वर्क इनपुट इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL इक्वल टू TH अपॉन TH माइनस क्या हो जाता है, TL हो जाता, यही ना हो जाता, ये किसके लिए होता बाबू, COP ऑफ हीट पंप के लिए। और एक रिलेशन पढ़ाए थे कि COP ऑफ हीट पंप, ये सब कुछ BME में पढ़ाए हुए हैं, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपॉन इफिशेंसी ऑफ हीट इंजन, 1 अपॉन इफिशेंसी ऑफ हीट इंजन, ये भी पढ़ाए हुए थे, कहाँ बाबू, BME में पढ़ाए हुए। तो इस पे एक YouTube लेक्चर भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप देखे होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा कोई टफ है नहीं, और ये रिलेशन याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक बेसिक हीट इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पे एक बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना है। उतना न्यूमेरिकल करवाएं उसके बावजूद भी BME में एक जो क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारा बच्चा वो भी क्वेश्चन सॉल्व सही से नहीं कर पाया, और वो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। तो जो BME में क्वेश्चन इस पर पूछे हुए था, रेफ्रिजरेटर से शायद रिलेटेड था, तो उसको सॉल्व कर, चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि आपको एक न्यूमेरिकल हीट इंजन पे, हीट पंप पे, रेफ्रिजरेटर पे करके जाना सबसे आसान न्यूमेरिकल है, सबसे आसान न्यूमेरिकल आता है और आएगा, हो सके कल भी आ जाएगा 4 नंबर में। तो पूरा पार्ट रेफरेंस रिलेटेड ये सब रहता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए सब चीज़ मालूम होगा तभी ही आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे बाबू। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ जाए कि रेफ्रिजरेटर क्या, तो देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन पार्ट का सबसे पहले क्या, रेफ्रिजरेशन का डिफिनेशन, तो जो वर्किंग फ्लूइड जो सर्कुलेट करता है उसको क्या कहते हैं बाबू, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या वर्किंग फ्लूइड है। दूसरा कुछ कुछ कॉमन रेफ्रिजरेंट का नाम, एयर कहाँ जो होता है, एयरक्राफ्ट इंजन में, उसके बाद अगर बात करें तो R134 को क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली, याद करो ऐसे ऐसे, डोमेस्टिक फ्लूइड में आज के डेट में R134A ही यूज हो रहा है। CO2 कुरकुरे चिप्स का पैकेट होता है उसमें क्या होता है CO2 जो रेफ्रिजरेंट हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, तो ये सब लिखा हुआ आप इसको देख लेना। उसके बाद जो डिवाइस का नाम क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर। उसका COP क्या होता है, डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बाबू, कि मतलब अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे डिफाइन करो किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, लोअर टेम्परेचर जितना अमाउंट ऑफ हीट लिया और उसको करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर होता है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें सप्लाई करना होता है,
इसको क्या कहते हैं सीओपी, और इसी का दूसरा नाम एक और पढ़ाए थे, कोई बतला सकता है? इनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, क्या कहते हैं बाबू? इनर्जी, इनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, क्या कहते हैं? इनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, और शॉर्ट में इसको भी याद रखें, दोनों के एक ही नाम है, आ सकता है एग्जाम में, ईपीआर। सीओपी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? ईपीआर, इनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ये सब पूरा याद है, ये पूरा बात याद है। चलिए बाबू अब देखना इसी के बेस पे, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग ध्यान दो। देखो कुछ टॉपिक एग्जाम में नहीं भी आए लेकिन पता होना चाहिए, पता होना चाहिए बाबू। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको पता हो जाए, ज़्यादा तो बात अभी नहीं करूँगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझिए बात को ध्यान से, सबसे पहले बात करें यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। आप अगर एसी से कहीं परचेज करने गए होंगे या किसी से सुनेंगे कि कितना टन ऑफ कितना टन का है एसी, तो कोई बोलता है 1 टन, 1.5 टन या 2 टन बोलता है। तो टन क्या है? डेट इज बोलने का मतलब क्या है कि सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो इस बार का 2 नंबर का डिफिनेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, डेट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है समझना बात को ध्यान से एकदम एक बार में। मान लो सपोज करो कि मेरे पास 1 टन ऑफ वाटर है, 1 टन ऑफ, 1 टन ऑफ क्या हो वाटर, एकदम समझना बाबू ध्यान से, 1 टन ऑफ वाटर है, 1 टन ऑफ मेरे पास क्या हो वाटर है, और 1 टन बोलने के बाद कितना केजी, कोई बता सकता है 1 टन में कितना केजी? 1 टन ऑफ वाटर है, कितना डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है? 0 डिग्री C पे, कितना डिग्री पे बाबू? 0 डिग्री C पे, कितना डिग्री पे है? 0 डिग्री C पे। हमें इस 1 टन ऑफ वाटर जो अभी 0 डिग्री C पे, इसको हमको इक्विवेलेंट आइस बनाना है, वेरी गुड, 1000 केजी, इक्विवेलेंट आइस में क्या करना हो कन्वर्ट करना है, क्या करना है इक्विवेलेंट आइस में क्या करना हो कन्वर्ट करना है। मतलब क्या कि हमें जो अमाउंट, ये जो आपका वाटर है अभी 0 डिग्री C पे, कितना बाबू 1 टन ऑफ वाटर है 0 डिग्री C पे, हमें क्या करना है इसी को आइस में कन्वर्ट करना है, क्या करना हो बर्फ जमाना है, क्या करना हो बर्फ जमाना है, क्या करना हो बर्फ जमाना, मतलब 1 टन ऑफ आइस, 1 टन ऑफ आइस। लेकिन टेम्परेचर कितना होगा बाबू? अभी भी कितना बाबू? 0 डिग्री C है, 0 डिग्री C है। अब बताओ कि वाटर से आइस में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा? हमको यहां से क्या करना होगा बाबू? हीट को क्या करना होगा बाबू? रिजेक्ट करना होगा, हीट को क्या करना होगा बाबू? रिजेक्ट करना होगा, हीट को क्या करना होगा? निकालना होगा। और ये जो हीट जो निकालेंगे, ये हीट जो हमें विड्रॉ करना होगा, ये जो हीट हमें क्या करना होगा यहां से बाबू? निकालना होगा, हीट हमें निकालना होगा, रिजेक्ट करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। और ये हीट जब निकाल रहे हैं तो कोई टाइम तो होगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि इनफाइनाइट टाइम इस हीट को निकालेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो हीट निकालेंगे इन ए डे, इन ए डे का मतलब क्या हो 24 आवर्स का बात कर रहा है, ये जो हीट निकालेंगे इन ए डे बोलेगा, या इन ए डे बोलने का मतलब कितना हो 24 आवर्स बोलेगा। तो यही जितना अमाउंट ऑफ हीट आप निकाले हैं, रिजेक्ट किए हैं, यहां से विड्रॉ किए हैं इन ए 20 इन ए डे या 24 आवर्स, इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ, सबसे पहले बात कि रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, याद रखना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, हमेशा रेफ्रिजरेशन का यूनिट किस में एक्सप्रेस किया जाता है, वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। तो एक फिर पूछेगा कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट डैट नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट डैट शुड बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब ये जो 1 टन ऑफ वाटर जो 0 डिग्री C पे है, यहां से हमें हीट को क्या करना होगा बाहर निकालना होगा, सो डैट, मतलब कहां से, फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर, मतलब 1000 की जो वाटर कितना डिग्री पे था, 0 डिग्री C पे था,
किस लिए आप यहां से हीट निकाल रहे हो? टू कन्वर्ट इट टू इक्विवेलेंट आइस, टू इक्विवेलेंट आइस एट जीरो डिग्री सी, जीरो डिग्री सी पे इक्विवेलेंट आइस पे कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो प्रक्रिया जो हो रहा है इसको होने में कितना टाइम लगेगा भाव? तो चाहे तो इन वन डे लिखा रहेगा या वन डे बोलने का मतलब क्या 24 आवर्स लिखा रहेगा। तो वन टन ऑफ रेफ्रेशन का डेफिनेशन याद कर जाना। और क्वेश्चन आया कि यूनिट ऑफ रेफ्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो टन ऑफ रेफ्रेशन में। इसको सॉल्व किया जाता है भाव, बहुत लंबा प्रक्रिया है, आगे हाईएस्ट सेमेस्टर में आरएससी मिलेगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पढ़ जाएगा। केवल अभी डिफिनेशन याद कर जाओ और एक रिलेशन याद कर जाओ कि वन टन ऑफ रेफ्रेशन, पहला बात कि टन ऑफ रेफ्रेशन को टॉर से रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर। तो वन टॉर बराबर याद रखना दम डायरेक्ट 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट इक्वल टू, यहाँ पर याद रखो 210 किलोजूल पर मिनट, किलोजूल पर मिनट इक्वल टू 50 किलो कैलोरी। अरे जगह ही नहीं मिला, एक मिनट रुक जाओ जी, और थोड़ा सा छोटा करने दो हमको, और हमको छोटा करने दो क्योंकि ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए वन टॉर इक्वल टू 3.5 किलोवाट इक्वल टू 210 किलोजूल पर मिनट इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। अब देखो कैसे कैसे कन्वर्जन, इस तुम छोड़ दो अभी, अभी क्या करो इसको याद कर जाओ कि वन टॉर मतलब क्या, वन टन ऑफ रेफ्रेशन, वन टॉर मतलब क्या हो, वन टन ऑफ रेफ्रेशन इक्वल टू 3.5 किलोवाट इक्वल टू 210 किलोजूल पर मिनट इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। मेरा मानना है कि कल के एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट ऑफ रेफ्रेशन से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आपको यूनिट ऑफ रेफ्रेशन से आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा उसका भी हम यहां पे बोल दे रहे हैं, सुन लो बात को, सभी लोग सुन लो, पता होना चाहिए कि पहला बात कि यूनिट ऑफ रेफ्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं बाबू, टन ऑफ रेफ्रेशन में। तो टन ऑफ रेफ्रेशन क्या है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रेशन क्या है बाबू, जो कि रेफ्रिजरेशन में जितना अमाउंट ऑफ हीट आप बाहर निकाले डेट इज रेफ्रेशन। अब ये समझ बात को, तो टन ऑफ रेफ्रेशन बोलने का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट डेट नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन टन, मतलब 1000 kg ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सी पे है, किस में कन्वर्ट करना, इक्विवेलेंट आइस में कन्वर्ट करना इन ए डे। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन से आता है, ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन को उतना टाइम नहीं है। तो वन टॉर, टीआर मतलब क्या हो, टॉर, यही बोल सकते क्या, वन टन ऑफ रेफ्रेशन, टॉर का बोले मतलब क्या, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 3.5 किलोवाट इक्वल टू 210 किलोजूल पर मिनट इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। आप एसी से परचेज करने जाते होंगे, देखेंगे वन टन का रेफ्रिजरेशन, वन टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, तो उतना तो अभी समझने के लिए उतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन बाद में कभी जरूर इसका आपको समझाएंगे। इतना अभी केवल कल के एग्जाम के लिए हम इस बात को बता रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना, इतना बात समझ आएगा बाबू। चलिए ये रिलेशन हम बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना, लर्न इट, इतना बार बार बोल रहे, यहाँ पे यही लिख दिए और यहाँ पे लो एक और बात लिख दे रहे हैं, वो दोनों को याद कर जाओ, क्या बोल दिए, सीओपी ऑफ हीट पंप, फिर से लिख दे रहे हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। और यहाँ पे एक चीज और लिख दिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू m डॉट क्या हो, मास फ्लो रेट है, सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बाबू, क्या आप लिख दे बाबू, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू, एक मिनट रुको जी, हाँ, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू क्या बाबू, m डॉट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट,
रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ये भी याद रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इतना बात समझ गया, समझ ठीक। अब मैं समझना बात को, अगला बात तो देखिए, जैसे पिछला बार क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले के सबसे पहला बार जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था तो अभी क्वेश्चन आया होता, क्या था बाबू, सीओपी ऑफ रिफ्रिजरेशन इज, सीओपी का मतलब क्या होता बाबू, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इस तरीके का हलवा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अब इस तरीके का हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा एक ये भी है बाबू, तो आगे हम पढ़ाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो तरीके का, एक पॉइंट अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एक है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट इंजन में, यानी एयरक्राफ्ट एयर कंडीशन सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब VCRS का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये तो दो को क्वेश्चन पिछले के पिछले साल आया होता है, लेकिन इतना हलवा क्वेश्चन अब नहीं आएगा। हाँ ये भी है कि जितना पार्ट अभी ये वाला जो स्लाइड है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, तो आप इस जितना भी फॉर्मूला बोले ना, आप उसको क्या कर जाओ, याद कर जाओ। अब इसी पे देखिए क्या, यहाँ पे देखना कि क्या, कि एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को लगा लो, अगर चार नंबर का न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे आसान हो जाएगा। क्या न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखो फटाफट, हम भी लगा रहे, तुम भी लगाओ जिससे बन रहा है। एक कोल्ड स्टोरेज इज टू बी मेंटेन्ड एट -5°C वाइल द सराउंडिंग टेम्परेचर आर 35°C, द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इन टू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड टू बी 29 kW। मतलब क्या लग रहा है कि रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक बात बताओ कि सबसे पहले जब भी इसका बनाना हो तो ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो बताइए कि रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या कि एक प्लांट, अब बताओ कि ये रेफ्रिजरेटर है तो इसका मतलब क्या कि इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, बाहर से क्या चाहिए बाबू, वर्क इनपुट चाहिए। अरे क्या चाहिए, वर्क इनपुट चाहिए। और बताओ कि जिस जगह पे कूलिंग करेगा उसको क्या कहेंगे बाबू, कि एक तरीके से रेफ्रिजरेटर स्पेस बोलेंगे, मतलब यहाँ से लोअर टेम्परेचर होगा बाबू, लोअर टेम्परेचर होगा यहाँ पे, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा, डेट इज TL, और यही क्या कहलाएगा बाबू, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, डेट इज RE, RE बोलो या इक्वल टू क्या करो QL बोलो, मतलब क्या कि लोअर टेम्परेचर जितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक। और ये क्या करता हूँ, हाइयर टेम्परेचर पर क्या कर रहा है बाबू, भेज रहा है। हाइयर टेम्परेचर क्या है, सोर्स, हाइयर टेम्परेचर क्या है बाबू, सोर्स है। हाइयर टेम्परेचर क्या है वो, सोर्स, डेट इज क्या बाबू, TH, डेट इज क्या बाबू, TH। अब समझना बात को, जो अमाउंट ऑफ हीट बाहर भेज रहा है वो क्या, वो QH, वो क्या, QH। ये ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब देखो क्या डेटा दिया हुआ, लोअर टेम्परेचर जो जगह है यहाँ पे कितना मेंटेन करना बाबू, -5°C, यहाँ पे पहले ही तुम केल्विन में कन्वर्ट कर लो, मतलब क्या 273 प्लस माइनस में, तो मतलब -5 कितना हो जाएगा बाबू, 268 केल्विन, पहला ही तुम केल्विन में कन्वर्ट कर लो। अब ऊपर कितना बाबू, 35°C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 273 प्लस 35 कितना हो जाएगा बाबू, 278 और 88, 98, 308 हो जाएगा जी, 308 केल्विन, कितना हो जाएगा बाबू, 308 केल्विन, हाई एट में 308। अब बोल रहा है हीट लीकेज, मतलब क्या इस जगह पे कुछ रखा हुआ है तो बाहर से हीट कितना लीक कर रहा है बाबू आपका, 29 kW यहाँ पे लीक कर रहा है। तो भैया यहाँ का टेम्परेचर अगर आपको -5°C मेंटेन करना है तो यहाँ से इतना ही अमाउंट ऑफ हीट क्या करना होगा, खींचना होगा। तो डेट इज यही 29 kW क्या वो QL है, या बोल सकते हैं क्या कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। द एक्चुअल COP कहानी में ट्विस्ट है, मतलब सबसे पहले बात, गिवन क्या हो जाएगा बाबू, गिवन क्या हो जाएगा, सिंक टेम्परेचर कितना है, सिंक टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर कितना है बाबू, डायरेक्ट कर दे बाबू, 268 केल्विन। अच्छा सोर्स टेम्परेचर कितना है, सोर्स टेम्परेचर कितना बाबू, 308 केल्विन। और आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डेडी RE कितना है आपका, RE कितना है, 29 किलोवाट। और क्या दे हुआ, एक्चुअल COP आइडियल का 1/3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, समझना बात को,
जो इस प्लांट का जो एक्चुअल सीओपी है, रेफ्रिजरेटर का जो एक्चुअल सीओपी है, एक्चुअल एक्चुअल जो सीओपी है, समझना बात को एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल सीओपी आइडियल सीओपी का कितना बाबू, 1/3 है। आइडियल सीओपी का कितना बाबू, 1/3, मतलब 1/3। 1/3 किसका, आइडियल। ये आइडियल क्या होता है सर, आइडियल बोलने का मतलब क्या बाबू, मैक्सिमम। आइडियल बोलने का मतलब क्या बाबू, मैक्सिमम। और कल पढ़ाए थे उस दिन हम बीएमई में, क्या होता है, सुनना बात को, एक क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है, देखते हैं आगे। हाँ, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट, मतलब वर्क इनपुट, इसको चलाने के लिए जितना चाहिए वही निकालना, मतलब टू फाइंड क्या बाबू, वर्क इनपुट। और रियल में तो एक्चुअल वर्क ही निकालना है ना, रियल में क्या करना है डीपली। अब डॉली, अब अगर आप बीएमई में नहीं पढ़े हो तो आपकी गलती है, ये सब चीज बीएमई में अगर आप नहीं पढ़े हो, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सब चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाए थे हम, और यहां भी कोई डिटेल ही में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा शॉर्ट भाग नहीं रहे। अदित, जो भी बात है इसमें ना, वो सबको पहले जो पढ़ा उसी को डीप में कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि बेसिक ऊपर से भाग रहे। अब मैं देखिए बात को, वर्क इनपुट निकालना आपको, तो यहाँ जो वर्क इनपुट निकालना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए समझिए बात को, कि वर्क इनपुट बताओ कि सीओपी एक्चुअल का बात हो रहा भाऊ, तो सबसे पहले बात कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होता है, जल्दी बताओ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होता है, QL अपॉन क्या होता है, वर्क इनपुट होता है। और आपको वर्क इनपुट निकालना है, वर्क इनपुट निकालना है, अच्छा। और ये जो एक्चुअल जो सीओपी होगा, मतलब एक चीज यहां लिख सकते हैं क्या, सीओपी एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में प्लांट रन कर रहा है, इक्वल टू क्या जाएगा, QL अपॉन वर्क इनपुट एक्चुअल में जितना देना होगा, ये नहीं लिखेंगे बाबू। और एक चीज बताओ कि जो एक्चुअल सीओपी है वो 1/3 सीओपी ऑफ आइडियल है, मतलब 1/3 एक्चुअल जो सीओपी है, 1/3 सीओपी ऑफ क्या बाबू, आइडियल। सीओपी क्या बाबू, आइडियल, इक्वल टू क्या जाएगा बाबू, क्यूएल अपॉन वर्क इनपुट। अब यहां समझने बात, आइडियल सीओपी बोलने का मैक्सिमम, और जब भी मैक्सिमम सीओपी की बात करते हो, टेम्परेचर के फॉर्म में बताए थे, टेम्परेचर के फॉर्म में तो यहां से देखिए क्या, कि 1/3 टेम्परेचर के फॉर्म में रेफ्रिजरेटर का क्या हो जाएगा आपका, सीओपी, डेट इज टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्यूएल अपॉन वर्क इनपुट। अब देखो यहां पे आपको निकालना क्या है, देखिए सभी लोग, टीएल मालूम है सर, QL मालूम है सर, तो आपको निकालना क्या है, वर्क इनपुट। अब इसको सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या, ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पे देखिए कि 1/3 TL 268 है बाबू, अपॉन 308 माइनस 268 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, QL कितना है, 29 किलोवाट अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, वर्क इनपुट। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है, ये तो सॉल्व करने से तो जितना आएगा किलोवाट में आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर होगा, वही क्या हो जाएगा आंसर। देखो समझो बात को, हम पढ़ाए थे कि सीओपी जो रेफ्रिजरेटर होता है, दो चीज ऐसे लिख सकते हो क्या बाबू, कि QL अपॉन वर्क इनपुट, इसी को बोले थे QL अपॉन QH माइनस QL बोले थे, इक्वल टू टेम्परेचर के फॉर्म में TL अपॉन TH माइनस TL बोले थे। और बोले थे कि टेम्परेचर के फॉर्म में कब यूज करेंगे, जब मैक्सिमम का बात करें, मैक्सिमम मतलब क्या, वो आइडियल का बात कर रहे,
तो यहाँ पे दिया होता है। तो इस फॉर्मूले को पहले पढ़ाए थे तो आप इसको तो याद ही रखे हैं बाबू, याद रखें तो आप सॉल्व करना। अब सुनो बात को, इस बार भी बोल रहे हैं, कल की एग्जाम में भी ब्लॉक डायग्राम क्या वो सर ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम तो समझना बात, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम का हम क्या बात करें, ब्लॉक डायग्राम रेफ्रिजरेटर है तो हम शुरू में बोले कि रेफ्रिजरेटर हीट पंप हीट इंजन, क्वेश्चन किसी का हो आगे देखो कि किसका क्वेश्चन है, हीट इंजन का है तब आगे मत पढ़ो, हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन अगर रेफ्रिजरेटर का है तो रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन अगर हीट पंप का है तो हीट पंप का ब्लॉक डायग्राम बनाओ। अब ब्लॉक डैम कैसे, उसका डिटेल में हम बात किए थे, नहीं होता तो बीएमई वाला में जाके देखो, वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अवेलेबल है वीडियो, मेहनत करिए तो वहाँ से आ जाएगा। तो उसके बाद जो डेटा दिया हुआ, अब उस डेटा देखिए फूलने लगा ये सॉल्व, मतलब कल भी एग्जाम में इस तरीके का न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकता है। हाँ वी सी आर एस बता रहे क्या होता है, सुनो बात को, अब यहाँ ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए जो रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम जो यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम यूज करते हैं मेनली, तो बहुत तरीके का होता है। एक्चुअल में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, और एक होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एरोप्लेन का बात करें, एयरक्राफ्ट इंजन में बात करें तो वहाँ यूज करते हैं, वी सी आर एस वेपर कंप्रेशन जो घर में डोमेस्टिक फ्रिज है वहाँ का यूज करते हैं, और वी आर एस मेनली इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उससे पहले एक बात और सुन लो, अब बताओ कि जो भी रेफ्रिजरेशन यूनिट है, जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो किसी न किसी वर्किंग साइकिल होगा। जैसे पेट्रोल इंजन के लिए वर्किंग साइकिल क्या होता है बाबू, ऑटो साइकिल, डीजल के लिए क्या होता है डीजल साइकिल, थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या था रैंकाइन साइकिल, ये सब एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल था। लेकिन ये सब का आइडियल साइकिल कौन था, कार्नोट साइकिल था बाबू, कार्नोट साइकिल। तो जितना भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा उसके लिए आइडियल साइकिल कौन होगा, उसके लिए आइडियल साइकिल कार्नोट साइकिल है। उसी तरीके से जितना भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, जितना भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है उसके लिए आइडियल साइकिल क्या होगा, वो रिवर्स कार्नोट साइकिल होगा। क्या होगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ भी है, क्या आया हुआ है समझना बात को, कि द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब जितना भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है, चाहे वो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का बात करें, चाहे हम अगर बात करें किसका बाबू, आपका ये क्या बोलते हैं वी सी आर एस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बात करें या वी आर एस का बात करें, ये सभी का आइडियल जो साइकिल है उसको क्या कहते हैं, किस पे होता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो मतलब कार्नोट का उल्टा, तो कार्नोट का टी एस डायग्राम बनाया था, कार्नोट का टी एस डायग्राम बनाए थे, तो कार्नोट का टी एस डायग्राम था बाबू। तो उसी तरीके से इसका उल्टा, इसका मतलब क्या कोई बोल सकता है, इसमें बोल सकता है कि मान लो कि एंट्रोपी है और इधर क्या हो टेम्परेचर है, इधर क्या हो टेम्परेचर है। अब यहाँ से ये बताओ कि अगर आप देखिए होगा तो कार्नोट साइकिल का टी एस डायग्राम पढ़ाए थे, तो यहाँ पे क्या आता है कि समझना बात को इस तरीके से, यहाँ भी रिवर्स कार्नोट साइकिल का उल्टा, इसका मतलब एंटी क्लॉक, इसका मतलब क्या वो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या है, शुरू यहाँ से करो, ये क्या वन, वन से टू, वन से टू, ये क्या होगा बाबू थ्री, ये क्या जाएगा फोर, और ये क्या जाएगा बाबू फोर से वन। समझना बात को, ये जो वन से टू है एक तरीके से क्या हो वर्क इनपुट का बात कर रहा है, और यहाँ पे आप देखिए क्लियरली तो क्या एस वन बराबर क्या है, एस वन बराबर क्या बाबू एस टू, एस वन बराबर क्या बाबू एस टू, एस वन बराबर क्या बाबू एस टू। और यहाँ का थ्री टू फोर अगर बात करो तो ये क्या हो एस थ्री बराबर क्या बाबू एस फोर, एस थ्री और क्या हो एस फोर, और ये क्या एक तरीके से वर्क आउट होगा बाबू, मतलब एक्सपेंडर का काम कर रहा बाबू। अब यहाँ देखिए दो से तीन, दो से तीन जो है बाबू एक तरीके से क्या हो कि हीट एडिशन है, डेट इज हीट एडिशन, क्या बाबू हीट, या ये बोल सकते एक मिनट, हीट एडिशन है, हीट रिजेक्शन समझो क्या, एक मिनट रुको रुको
रुको, ये क्या हो, हीट रिजेक्शन हो जाएगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा। ये क्या है, हीट रिजेक्शन होता है, डेट इज कंडेंसर के द्वारा क्यूसी, और यहाँ जो हो रहा है वो क्या रहा है, क्यूएल। अब यहाँ देखना, समझना बात को कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखिए तो टी वन बराबर क्या होगा, टी फोर इक्वल टू क्या बाबू, टी एल है। और यहाँ अगर देखो तो ये क्या जाएगा, टी टू बराबर क्या होगा बाबू, टी थ्री इक्वल टू क्या होगा बाबू, टी एच होगा। तो जस्ट यहाँ पे देखो क्या कि यहाँ पे जब बनाए उल्टा बनाए, क्या बनाए वो उल्टा बनाए। ये चीज़ आप अगर कार्नोट साइकिल का देखेंगे तो वहाँ पे ये क्या उल्टा वर्क कर, क्यों, क्योंकि वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे टोटल कितना प्रोसेस हुआ, चार प्रोसेस, प्रोसेस वन से टू आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। मतलब प्रोसेस वन से टू क्या होगा, जल्दी बताओ, प्रोसेस वन से टू, प्रोसेस वन से टू आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक इंट्रोपिक कॉन्स्टेंट है, एस वन बराबर क्या वो एस टू है, मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहा है वो बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद प्रोसेस टू टू थ्री आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, और उसके बाद क्या प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और आपका फोर टू वन क्या बाबू, प्रोसेस फोर टू वन क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं देना चाहिए हमको लगता है। तो केवल अगर आ भी गया तो ब्लॉक डायग्राम बनो, ये बना दो। अब तक एक चीज़ और कि कार्नोट साइकिल का रिवर्स कार्नोट का अति क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, सॉरी क्या वो सी ओ पी, क्योंकि हमेशा सी ओ पी का बात हो रहा है। तो सी ओ पी ऑफ आर सी सी का मतलब क्या हो, रिवर्स कार्नोट साइकिल, याद रखना, लोअर टेम्परेचर टी एल अपॉन टी एच माइनस, याद रखना टी एल, इतना तो याद रह सकता है ना। सी ओ पी आर सी सी का कितना, लोअर टेम्परेचर अपॉन हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, केवल इसका फॉर्मूला तुम याद रखना। अगर एग्जाम में मान लिया कि रिवर्स कार्नोट साइकिल भी आ गया ना, तो ये लिख देना पहला पॉइंट, ये प्रोसेस का नाम सी ओ पी आर सी सी, और ये ब्लॉक डायग्राम, ये टी एच डायग्राम में से बना देना, इससे ज़्यादा तुम कुछ मत करना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कि डेट इज, अब दो तरीके का हम क्या बोले कि एक्चुअल में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है दो तरीके का होता है, एक होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा क्या होता है भाऊ, वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले वीसीआरएस को समझते हैं, वो बात को ध्यान से, यहां देखो वीसीआरएस घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है, घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है वो वीसीआरएस पे ही काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका नाम ही क्यों पड़ा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ जो इवापोरेटर से, अगर आप पहले जो सबसे पहले जो हम ब्लॉक डायग्राम बनवाए थे, देखिए यहाँ पे क्या पहला जो सबसे बोले थे ना कि ये ब्लॉक समझ गया तो पूरा आधा खास समझ, देखिए यहाँ से इवापोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, रेफ्रिजरेटर से इवापोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है वेपर फॉर्म में, कंप्रेसर क्या कर रहा है, इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है, इससे इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए इस जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसका नाम वीसीआरएस है। तो यही बात मतलब क्या, जो घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है, तो अगर मान लो कि आपको एग्जाम में वीसीआरएस लिखने के लिए आ गया, सुन लो बात को बहुत ध्यान से, राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीसीआरएस। पहला बात तो कि फुल फॉर्म याद रखना है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वीसीआरएस अगर पूछ दे रहा है, राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीसीआरएस, यही डायग्राम तुम बना के आ जाना, यही डायग्राम किस में बना के आ जाना बाबू, वीसीआरएस में बना के आ जाना है, वीसीआरएस में बना के आ जाना है, यही वाला पूरा डायग्राम बना देना। अब वीसीआरएस क्या होता है, एक तरीके से क्या कि रियल में सबसे ज़्यादा अगर
यूज होता है रेफरेंस सिस्टम साइकिल, तो वी सी आर एस है। ये ब्लॉक डायग्राम बना देना, इसमें कितना पार्ट, चार पार्ट, कौन कौन याद करो। एक क्या था बाबू, इवापोरेटर, दूसरा क्या है कंप्रेसर, तीसरा क्या है कंडेंसर, और चौथा क्या था बाबू थ्रोटल वाल्व। चौथा क्या था थ्रोटल वाल्व, सुनो बात को, कितना बाबू चार, कितना चार, कौन कौन याद करिए। सबसे पहला क्या बाबू इवापोरेटर, दूसरा क्या है कंप्रेसर, तीसरा क्या है कंडेंसर, चौथा क्या है थ्रोटल वाल्व। क्या था थ्रोटल वाल्व। जब भी वीसीआरएस लिखने के लिए आ जाए आपको एग्जाम में कल, मान लीजिए 6 नंबर का, तो पहला पार्ट से वीसीआरएस यहाँ पढ़ के जाइए भी, यही हम कहेंगे। तो जब भी लिखने के लिए आवे तो घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज है उसको याद करना, और समझना कि इस डोमेस्टिक फ्रिज में चार गो पार्ट मेन होता है, मेन तौर पर। एक क्या होता है वो इवापोरेटर, दूसरा क्या है कंप्रेसर, तीसरा क्या है कंडेंसर, और चौथा क्या हो थ्रोटल वाल्व। इवापोरेटर का काम क्या है, इवापोरेटर में क्या होता है, सुनो बात को, लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे इंटर करता है, और रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट लेकर ये क्या करता है रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होता है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इसका टेम्परेचर बढ़ते 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 इसका फेज चेंज कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इवापोरेटर से जब आउट होता है रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट में आउट हो रहा है, लेकिन अभी इसका प्रेशर टेम्परेचर क्या कम है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये रेफ्रिजरेंट फिर किस में जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है जो क्या करता है कंप्रेस करता है, मतलब कि इस रेफ्रिजरेंट का जो वेपर स्टेट में आउट हुआ इवापोरेटर से इसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ा देता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब आउट होता है कंप्रेसर से तो फिर एक और इक्विपमेंट है डेट इज कॉल्ड एज कंडेंसर। इस कंडेंसर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपना हीट सराउंडिंग को लूज करता है, जैसे जैसे हीट सराउंडिंग को लूज करे क्यूसी अमाउंट से तो उसका टेम्परेचर क्या होगा घट जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा रिड्यूस होते जाएगा। उसके बाद यहाँ से आउट रिड्यूस होगा तो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में वापस ये रेफ्रिजरेंट का जो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आउट होने के बाद थ्रोटल वाल्व के थ्रू जाता है, और थ्रोटल वाल्व में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर का रिडक्शन होता है, प्रेशर का रिडक्शन होता है। अभी भी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है लेकिन सेम रेफ्रिजरेंट को फिर से हमें नेक्स्ट साइकिल में इवापोरेटर में यूज करना है तो इसको लो प्रेशर करना होगा। तो कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए जो कि प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कन्वर्ट करे। तो एक सिंपल से एक वाल्व होता है तो उसको क्या करता है थ्रोटल वाल्व, ये क्या करता है प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, प्रेशर क्या करता है रिड्यूस कर देता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम को बना लेना, चार को पार्ट होता है, जितना बात याद रहेगा हिंदी में याद रहेगा उतना बात तुम लिख के चलाना बस। अगर यहाँ से आना होगा वीसीआरएस के बारे में तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो बेसिक सीओपी के रेफ्रिजरेटर पे न्यूमेरिकल पूछेगा, इससे ज़्यादा कोई टफ नहीं पूछेगा। तो वीसीआरएस पूछ रहा है तो आप सिंपली वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम यही पढ़ के जाना एक, और इसमें भी क्या बाबू कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम दम तुम याद कर जाओ, ये याद कर जाओ। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलिए रेफ्रिजरेशन पार्ट से तुम इतना ही पढ़ के जाओ, रेफ्रिजरेशन पार्ट से तुम इतना पर ऑब्जेक्टिव के जितना बात बोल दिए उतना ही तुम अगर याद रखते हो तो उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। इस पर अलग से हम ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करके पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, तो केवल उसको ऑब्जेक्टिव को रटना है। रटने के लिए क्या कि आप इसको समझ के करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझना बात को, इसी में जो दूसरा जो पार्ट है डेट इज क्या बाबू कि आपका एयर कंडीशनिंग पार्ट है, थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है इसलिए समझो बात को। यहाँ को दूसरा जो पार्ट है डेट इज क्या बाबू कि आपका एयर कंडीशनिंग पार्ट, आगे इसको समझ लो थोड़ा सा बेसिक बात, थोड़ा सा बात पता होना चाहिए एयर कंडीशनिंग पार्ट क्या होता है। अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग का बात अगर करें बाबू तो सबसे पहले समझना एक बात बताओ, एकदम बेसिक 15 से 20 मिनट ध्यान दो सब समझ में आ जाए, कोई टफ नहीं है। अब यहाँ देखो घर में या कहीं कहीं कोई होम अति बात करें ऑफिस का बात करें या सिनेमा हॉल का बात करें या बड़े बड़े सेमिनार हॉल का बात करें, वहाँ पर एसी लगा हुआ, समझना बात को एकदम ध्यान से, ये एसी लगा हुआ, ये महानुभाव देखिए कि आराम से चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, इनको 8 से 10 घंटा लगातार काम करना है, क्या करना लगातार काम करना। देखो जय जयंत आप जो पूछ रहे पीवी डायग्राम रिवर्स कार्नोट का, जो कार्नोट से पीवी उसका तुम उल्टा कर दो और उसका पीवी डायग्राम बताए हुए तो वहाँ पे तुम देख लेना बाबू, कोई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट इसको थोड़ा सा समझाने दो हमको। अब यहाँ देखिए क्या कि इसको क्या कंटिन्यूस काम करना बाबू, तो एसी क्यों लगाए समझना बात को, फील करना एसी क्यों लगाए बाबू, क्योंकि इनको गर्मी लग रहा, गर्मी लग रहा था तो वैसे गर्मी लगता पंखा चला देते,
तो भी गर्मी नहीं लगता, तो पंखा चला देने से क्या होता नॉइज होता है, तो लंबे टाइम के लिए काम कर पाते नहीं। अच्छा दूसरा सर तो कूलर लगा दीजिए, अगर कूलर मान लो कि काम करी थे खिड़की है इस साइड से एक तरफ से कूलर लगाएंगे तो जो कूलर से जो एयर जो कोल्ड एयर निकलेगा वो केवल एक ही किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा बाबू जाएगा, इससे क्या होगा कि टेबल पे कोई पेपर पर रखा वो भी क्या उड़िया जाएगा बाबू। दूसरा कूलर जब लगेगा तो एक साइड में क्या होगा बाबू कि जो कूलर के सामने इंसान होगा उसको ज़्यादा हवा लगेगा और जो कूलर की इधर उधर साइड में बैठे लोग उनको हवा ही नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या रूम का टेम्परेचर इनफॉर्म मेंटेन नहीं हो पाएगा। दूसरा कि मान लें कि कूलर में पानी अगर डाला हुआ है तो पानी का जो मॉइस्चर जो वहाँ से निकलेगा एयर में नमी जो आएगा वो बॉडी पे क्या अगर चिपकेगा तो मतलब चिपचिपा महसूस होने लगेगा। दूसरा अगर कूलर में कोई गंदा पानी रखो बैड स्मेल आ रहा है तो पूरा बैड स्मेल रूम में आ जाएगा, इसका मतलब क्या एयर कंडीशनिंग का क्या काम है कि केवल कूलिंग ही करना नहीं है, एयर कंडीशनिंग का काम है कि यहाँ से जो एयर जो आ रहा है ये एयर फ्रेश एयर है, कौन सा एयर है भाई फ्रेश एयर है, जिसका एक साथ केवल इसका टेम्परेचर कम करके भेजा हुआ नहीं है, यहाँ अगर बोले तो ये जो एयर जो आ रहा है इसका बहुत सारा पैरामीटर कंट्रोल मैनर में क्या क्या कंट्रोल है, इस एयर का टेम्परेचर कंट्रोल है, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो कंट्रोल मैनर में सप्लाई कर रहा है, ह्यूमिडिटी पढ़ाएंगे नमी, अब इस एयर में एक लिमिट से कम मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए और एक लिमिट से ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जाड़ा के दिन में आप देखते होंगे कि बॉडी जो है वो ज़्यादा क्या बाबू कि एक तरीके से क्या खुरखुर करता, मतलब क्या कि ड्राई महसूस हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या कि जो सराउंडिंग में नमी है जो एयर है उसके बाद मॉइस्चर कम इसलिए मेरे बॉडी से प्रति कर रहा है, तो इससे क्या कि चर्चा कर रहा है, तो उस केस में क्या चाहिए बाबू कि आपको ऐसा एयर आना चाहिए जो कि उसमें थोड़ा सा नमी हो सो डेड कि मेरे बॉडी पे जब फॉल करे तो जो एक तरीके से सूखा जो महसूस हो रहा है वो सूखा महसूस नहीं हो। दूसरा अगर बात करें कि आपका गर्मी का दिन बात करें तो हम लोग को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या जो सराउंडिंग में जो एयर है उसके पास एक तरीके से नमी कम हो सो डेट अगर उसके पास नमी कम रहेगा तो हम लोग जो स्वेटिंग हो रहा है वहाँ से पसीना वो एक तरह से उस वाटर को एयर क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब क्या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हाई वेलोसिटी से एयर को क्या कर रहा फ्लो नहीं कर रहा, मतलब एक बहुत ज़्यादा एयर का स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं हो और ना ही बहुत कम हो, मतलब वेलोसिटी को भी क्या कर रहा हो कंट्रोल कर रहा है, और साथ साथ प्यूरिटी, प्यूरिटी का मतलब क्या कि फ्रेश एयर कोई बैड स्मेल वाला एयर रूम में सप्लाई नहीं कर रहा है। तो जो एयर कंडीशनिंग होता है एयर कंडीशनिंग एक साथ बहुत सारे पैरामीटर को क्या कर रहा कंट्रोल कर रहा है, डेट इज एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब क्या एक साथ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ एयर, एयर टेम्परेचर जो एयर सप्लाई कर रहा रूम में उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है एक साथ, उसी दौरान ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है, उसी दौरान वेलोसिटी को भी मतलब एक लिमिट से कम हाई वेलोसिटी से भी एयर को सप्लाई नहीं कर रहा है ना ही लो मतलब मॉडरेट सप्लाई कर रहा है, एंड प्यूरिटी ऑफ एयर मतलब प्यूरिफायर मतलब उसमें कोई बैड स्मेल ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, फ्रेश एयर सप्लाई कर रहा है। अब देख रहे तो एयर कंडीशनर डिफ्यूजन हो गया, अब जो एयर जो रूम में सप्लाई कर रहा है ऐसी दो चीज इसमें जो होता है, एक होता है मॉइस्ट एयर, क्या टर्म आता है बाबू मॉइस्ट एयर, क्या टर्म आता है मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में दो चीज छुपा हुआ है समझना बात को, ये मॉइस्ट एयर का बात करें तो दो चीजें, ये मॉइस्ट एयर ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का मिक्सचर है, वाटर वेपर कौन सा बाबू वाटर वेपर दो को मिलकर बना, मतलब मॉइस्ट एयर जब भी बात करेगा तो दो चीज इसमें, एक क्या है बाबू एक आपका ड्राई एयर है और दूसरा क्या वो वाटर वेपर है, क्या वो वाटर वेपर है। तो जी मॉइस्ट एयर का प्रॉपर्टीज प्रेशर टेम्परेचर ऐसे पढ़ाई करेंगे, तो जो प्रॉपर्टीज के बारे में जो मॉइस्चर के बारे में पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं वो साइकोमेट्री कहते हैं, क्या कहते हैं साइकोमेट्री कहते हैं। ये लिखा हो कि मॉइस्ट एयर इज कंसिडर्ड एज टू कंपोनेंट, इसमें एक क्या हो ड्राई एयर और एक क्या हो वाटर वेपर के मतलब वाटर वेपर के फॉर्म इसमें मिला हो उसको क्या कहते हैं मॉइस्ट एयर। हमेशा एयर कंडीशन में क्या हम बात करते हैं कौन से एयर सप्लाई कर रहा है जो यहाँ से निकल रहा है उसको कहते हैं मॉइस्ट एयर कहते हैं, और आप एसी देखेंगे कि रूम के अंदर जो लगा इसको क्या कहते हैं इंडोर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू इंडोर कहते हैं, मतलब ये इंडोर है रूम के अंदर जो है इसको क्या कहते हैं इंडोर कहते हैं, और बाहर वालों क्या कहते हैं वो आउटडोर कहते हैं, क्या कहते हैं आउटडोर कहते हैं, क्या कहते हैं आउटडोर कहते हैं, एकदम बेसिक फटाफट समझना, एक है इंडोर और दूसरा क्या वो आउटडोर, क्या दूसरा क्या वो आउटडोर। अब इसमें अगर देखें क्या तो कुछ
मास्टर को पढ़ने से पहले या बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ पढ़ना पड़ेगा बेसिक टर्म। क्या पढ़ना पड़ेगा भाऊ? बेसिक टर्म पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अगर बेसिक टर्म का बात करें तो एक कहलाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या कहलाता है भाऊ? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। एकदम समझते चलना भाऊ, ज़्यादा टाइम नहीं है। एक क्या हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। क्या कहलाएगा? ह्यूमिडिटी रेशियो। सबसे पहला बात, ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ओमेगा से क्या करते हैं भाऊ? रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम सुनते चलना ध्यान से। मान लो सपोज करो कि आप जिस रूम में रह रहे हो, जिस रूम में रह रहे हो उस रूम में एयर तो होगा बाबू। समझना बात को एकदम ध्यान से, 15 से 20 मिनट समझो, पूरा बात समझ में आ जाएगा। आप जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ पे क्या कि उस रूम में एयर होगा बाबू, और जो एयर होगा तो वो एयर क्या होगा, उस एयर में कुछ नमी भी होगा बाबू, वाटर भी, वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होगा वेपर के फॉर्म में। होता है डॉली, लेकिन उतना तुम VCRS का PV और TS डायग्राम तुम ड्रॉ मत करो। VCRS का उतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं इस लेवल पे, वो सब फिर अलग से क्या एक सब्जेक्ट ही वहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ पे केवल ब्लॉक डायग्राम पढ़ के आप जाइए कल के एग्जाम में। अब यहाँ देखिए, जो रूम में जो एयर है अवेलेबल ड्राई एयर है, और इसके साथ इसमें क्या हो, वाटर है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। अब बात ये है कि आप सुनते हो क्या कि जगह टू जगह, लोकेशन टू लोकेशन क्या करता है ह्यूमिडिटी। जैसा मोबाइल वाले या पेपर में देते हैं कि सनसेट इतना बजे हुआ, सनराइज इतना बजे हुआ, और एक नीचे लिखा था परसेंटेज के फॉर्म में 70% 80% ये सब लिखा हुआ रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका कहने का मतलब क्या, पटना का इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दिल्ली का इतना है, आप चेक करिएगा मोबाइल पे। तो लोकेशन टू लोकेशन क्या करता है वो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है वो, चेंज करते रहता है ह्यूमिडिटी चेंज। मतलब क्या कि जगह टू जगह, लोकेशन टू लोकेशन, इस एयर के साथ जो वाटर वेपर का जो कंटेंट है, मात्रा है, वो क्या करता है वो चेंज करते रहता है। क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। इसका मतलब क्या, ये वाटर जो वेपर के फॉर्म इस ड्राई एयर के साथ अवेलेबल है वो वेरिंग अमाउंट में, क्या वो वेरिंग अमाउंट। तो कहता है कि यही जो वेरी कर रहा है, मतलब क्या, इसको कंपेरिजन करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो लाते हैं। जैसे डेडी ह्यूमिडिटी रेशियो क्या, सुनना बात को ध्यान से, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ ड्राई एयर। मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिनोट किससे करते हैं बाबू, ओमेगा से। तो यह होता मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ ड्राई एयर। शॉर्ट में अगर बात करें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा बराबर मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई डेडी एम ए। और यहाँ पे एक चीज और फॉर्मूला याद रखो, 0.622 PV अपॉन P माइनस PV। अब P क्या मतलब, टोटल प्रेशर, कौन सा प्रेशर भाई, टोटल प्रेशर, कौन सा प्रेशर भाई, टोटल प्रेशर। इतना फॉर्मूला तुम क्या करो, याद रखो। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होता है भाई, इसका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूनिट होता है वो हमेशा एक्सप्रेस जो करते हैं भाई, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर के टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। केजी पर के जो ड्राई एयर के टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सुनना, एक साथ और समझाएंगे। दूसरा जो है बाबू, डेट इज सेकेंड जो टर्म है, डेट इज क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या बाबू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब सुनना बात को, पहला बात, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे डिपेंड करते हैं बाबू, फाइ से, और यही पेपर में दिया हुआ रहता है। फाइ, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन डेडी MVS, उसके बाद PV अपॉन PVS। अब ये क्या होता है, सुनो बात को ध्यान से, अब पेपर में जो दिया रहता है यही दिया रहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहां सुनना बात को ध्यान से, दो चीज हम जो बोल रहे हैं, समझना बात को, थोड़ा सा ध्यान दो।
मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको समझना दोनों टर्म को, फॉर एग्जाम्पल जो रूम में जो एयर है, मान लो 1 kg एयर आप, 1 kg ऑफ एयर आपके रूम में, उसको आप अध्ययन कर रहे हो। ये 1 kg एयर है, ये अपने साथ वाटर वेपर मैक्सिमम कितना रख सकता है? तो सपोज करो क्या कि सपोज करिए कि वो अपने साथ मैक्सिमम 0.5 kg मैक्सिमम 0.5 kg ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, वाटर वेपर हो सकता है। सपोज करो ये मैक्सिमम है कि अपने साथ, इससे अगर ज्यादा इसके साथ एयर के साथ 0.5 kg ज्यादा अगर हो गया तो कंडेंसेशन मतलब बारिश होना शुरू हो जाता है, ऐसे समझना। तो अब क्या है रियल में कितना है, तो रियल में मान लो क्या कि 0.1 kg ऑफ वाटर वेपर है, 0.1 kg वाटर वेपर है, 0.2 kg हो सकता है, 0.3 kg वाटर पेपर इसके साथ है, मतलब दो चीज। आप जिस एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली में कितना मास ऑफ वाटर पेपर मौजूद है और उसके उसमें पर के जो ड्राइवर मान चुके, और उसी सेम एयर में मैक्सिमम वो कितना वाटर पेपर एब्जॉर्ब कर सकता है, और उस मतलब मैक्सिमम जितना वाटर पेपर एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड कंडीशन मतलब उसके बाद क्या सैचुरेशन स्टार्ट, अभी जो वाटर पेपर है वो वेपर के फॉर्म है और उसके बाद अगर 1 लीम से ज्यादा वाटर पेपर तो क्या हो जाएगा कंडेंस मतलब बारिश होना शुरू, मतलब उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तो मैक्सिमम वाटर पेपर उस ईयर में सैचुरेटेड कंडीशन कितना हो सकता है वो क्या बाबू MVS इक्वल टू प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं उतना समझो, तो पीवी अपन पीवीएस। पीवी क्या हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पीवीएस क्या हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। और एक चीज और समझो बात को ध्यान से, अब ये बात है क्या कि ये जो एयर जो रूम में एयर है, दो टर्म और समझना, समझते चलो, रूम में जो एयर अवेलेबल है इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ना बाबू, रूम में जो एयर है इसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, डेट इज कौन सा एयर, इसको मान लो कि मॉइस्ट एयर है बाबू, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को मेजर करना है। कैसे मेजर कर लिए, थर्मामीटर के माध्यम से मेजर कर लिए, तो ऑर्डिनरी थर्मामीटर के माध्यम से बात को समझना कि मॉइस्ट एयर अगर हम बात करें तो यहां पे ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर किए, तो जो ऑर्डिनरी सिंपल थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर रीड करके दिया, सपोज कि जो इसमें यहां से जो सिंपल जो थर्मामीटर जो टेम्परेचर रीड करके दिया, सिंपल थर्मामीटर रीड करके दिया सपोज 25°C, तो सिंपल थर्मामीटर से जो टेम्परेचर रीड करके देगा उसको कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डेट इज क्या बाबू DBT, उसको क्या कहते हैं बाबू DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और अगर थर्मामीटर आप देखेंगे तो उसका जो निडिल होता है पॉइंट, उसके ऊपर कोई भींगवा कर मतलब कपड़ा को भींगो कर उसके ऊपर कवर कर दिए, उसके बाद इस एयर के टेम्परेचर को नापेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, इसका मतलब क्या कि उसी का अगर वो टेम्परेचर रीड करके देगा तो उसको क्या कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, डेट इज इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर वेन इट्स बल्ब। और थर्मामीटर आप देखे होंगे घर उन्हें जो बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर ये स्टील का बल्ब होता है ना नीचे, ये क्या होता है यही तो बल्ब ऑफ थर्मामीटर होता है, नीचे जो स्टील का होता है व्हाइट कलर का, डेडी बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। तो आप बताइए कि अगर इसके ऊपर कवर कर दिए वेट क्लॉथ से, किससे बाबू वेट क्लॉथ से कवर कर दिए,
वेट क्लॉथ से क्या कर दे वो कवर कर दे। उसके बाद इस मॉइस्चर का टेम्परेचर मेजर करिएगा, तो पहले के थर्मामीटर से ऑर्डिनरी थर्मामीटर, मतलब जब इसके ऊपर कोई वेट क्लॉथ इस पर कवर नहीं किए थे तब स्वाभाविक बात है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा शो करेगा, ज़्यादा शो करेगा। लेकिन अब इसके ऊपर कवर कर देंगे तो उसके बाद टेम्परेचर का कम शो करेगा, उसको कौन सा टेम्परेचर, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर एक कहलाता है। अब सुना बात को कि डिफरेंस बिटवीन डीबीटी ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं भाऊ, वेट वर्ल्ड डिप्रेशन। क्या कहते हैं भाऊ, वेट वर्ल्ड डिप्रेशन, WBD, वेट वर्ल्ड डिप्रेशन, वेट बल्ब, वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाऊ, वेट बल्ब डिप्रेशन कहा जाता है, वेट बल्ब डिप्रेशन कहा जाता है। इतना बात को समझना बात को। दूसरा एक होता है DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या कहलाता है भाऊ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट बोलने का मतलब क्या भाऊ, कि इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर वेन द मॉइस्चर, मतलब जो वाटर वेपर में प्रेजेंट इन इट्स बिगेंस टू कंडेंस। मतलब क्या कि आप समझना बात को धीरे धीरे, जैसे क्या इसमें अगर पूरा इतना समझना ना, ड्यू पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे जो वाटर जो एयर के साथ वेपर के फॉर्म में, तो जिस टेम्परेचर पे कंडेंस कब होगा बाबू, अगर उस वाटर वेपर का टेम्परेचर घटाते जाओ, ऐसे समझो ना, थोड़ा सा तुम लोग ऐसे समझो कि मान लो ऐसे यहाँ समझो बात को, क्या तुमको कहें इस टर्म को समझाने के लिए समझना, यहाँ देखो थोड़ा सा समझो बाबू बात को। आप जिस रूम में रह रहे हो ना, ऐसे समझो आप जिस रूम में रह रहे हैं, समझना बात को, आप जिस रूम में रह रहे हो वहाँ का सपोज करके टेम्परेचर हटाओ, आप जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ पे एयर है बाबू, समझना बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ का एयर है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो सपोज कर बोली सर यहाँ का टेम्परेचर कितना है, सर 27°C है। तो 27°C कैसे बता दिया, तो आप कैसे बता दिए बाबू, थर्मामीटर के माध्यम से मेजर किए होंगे। और जो थर्मामीटर वो ऑर्डिनरी है, तो डेट इज ये जो थर्मामीटर ऑर्डिनरी थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजर किए तो कितना था 27°C, तो ये कहलाएगा DBT। क्या कहलाएगा बाबू, DBT, ऐसे समझना। अब दूसरा बात, अब हम क्या किए कि इसी रूम में जो एयर है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो अब जो थर्मामीटर जो हम लिए उसके बल्ब जो होता है उसके ऊपर हम गीला कपड़ा, कौन सा बाबू, गीला कपड़ा मतलब बेड क्लॉथ से कवर कर दी, और अब उस एयर का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो एयर इस थर्मामीटर के बल्ब के कॉन्टैक्ट में जब जाएगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर थोड़ा कम रीड करेगा पहले के मुकाबले, तो हो सकता है को 20° शो कर रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, WBT। जब हम DBT और WBT बता रहे हैं तो उस दौरान एयर में जो वाटर मौजूद है वेपर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बाबू, वेपर के फॉर्म में। अब हम क्या किए कि इस एयर का टेम्परेचर घटाते गए, रिड्यूस करते गए, एक लिमिट के बाद क्या हो रहा है कि एक वह टेम्परेचर वैल्यू आया जिस टेम्परेचर वैल्यू पे जो अभी इस एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में था वो कंडेंस होना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या कि वहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बाबू, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। डेट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मामीटर व्हेन द मॉइस्चर, मतलब जो नमी था एयर के साथ जो कि अभी वेपर फॉर्म में है, अब वो क्या हो रहा है बाबू, कंडेंस होना शुरू हो गया, बिगिंस टू कंडेंस, मतलब लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो गया। डेट इज उस टेम्परेचर कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डेट इज DPT। एक बात और याद रखो बाबू, ज़्यादा नहीं समझ में आवे तो एक बात और याद रखो कि डिफरेंस बिटवीन DBT और WBT को क्या कहते हैं बाबू, WBD, डेट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। और एक बात और याद रखना बेसिक, क्या कि यहाँ पे देखो कि कुछ बेसिक बात है, तो यहाँ पे देख लो, कोई जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे समझो बात को।
यहाँ पे हम इसको डिलीट करें, इसको थोड़ा सा हम डिलीट करें बाबू, लो हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं। कुछ बेसिक बात, दो तरीके का, एक होता है फोर सैचुरेटेड एयर, कौन से एयर बाबू, सैचुरेटेड एयर, फोर सैचुरेटेड एयर, फोर सैचुरेटेड एयर, कौन से एयर बाबू, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का अगर बात करें बाबू तो यहाँ पे क्या होता है कि दो, एक चीज याद रखना कि तीनों वैल्यू, कौन सा वैल्यू बाबू, डीबीटी, डीबीटी बराबर क्या होता है बाबू, डब्ल्यूबीटी बराबर क्या होता है बाबू, डीपीटी होता है। और अगर फोर अनसैचुरेटेड एयर, फोर अनसैचुरेटेड एयर लिखा हो, ज़्यादा तुम मत समझो, इतना केवल ऑब्जेक्टिव के लिए कल भी याद रखना, फोर अनसैचुरेटेड एयर अगर लिखा हुआ है तो उस केस में याद रखना क्या, उस केस में डीबीटी जो होता है वो ज़्यादा है बाबू किससे, डब्ल्यूबीटी से ज़्यादा है बाबू किससे बाबू, डीपीटी से, डेट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। और यही ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ पिछले बार, तो इस बार चांस है कि सैचुरेटेड के लिए क्या होगा, तीनों बराबर होगा, और अनसैचुरेटेड के लिए डीबीटी का वैल्यू डब्ल्यूबीटी से ज़्यादा होगा और डीपीटी से क्या होगा, कम होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए जैसे पिछले बार आया, कहाँ गया ये वाला, देखो फॉर अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, फॉर अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डीबीटी इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीटी इज ग्रेटर देन क्या बाबू, डीपीटी, क्या बाबू, डीपीटी। तो ये बात है, तो इस बार हो सकता है कि फोर सैचुरेटेड एयर क्या हो जाएगा, फोर सैचुरेटेड एयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर सैचुरेटेड एयर क्या हो सकता है, तीनों बराबर होता है, थोड़ा सा बेसिक बात समझो, फोर सैचुरेटेड एयर पहला बात याद रखो कि डीबीटी क्या होगा बाबू, बराबर होगा किसका, डब्ल्यूबीटी बराबर किसका होगा बाबू, डीपीटी। दूसरा बात याद रखो सैचुरेटेड एयर के लिए कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है फाई वो क्या होता है बाबू, 100% होता है। तीसरा बात याद रखो कि यहाँ पे डब्ल्यूबीटी वेट बल डिप्रेशन, वेट बल डिप्रेशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, वेट बल डिप्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, डब्ल्यूबीटी बराबर क्या पढ़े हैं, डब्ल्यू बी डी बराबर क्या पढ़े हैं, डी बी टी माइनस डब्ल्यू बी टी, डिफरेंस बिटवीन ड्राइबल टेम्परेचर एंड बेटवल टेम्परेचर क्या कहते हैं, डब्ल्यू बी डी, और सैचुरेटेड एयर के तीनों बराबर होता है तो बेटवल डिप्रेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तीन पॉइंट हम सैचुरेटेड एयर के लिए बोले हैं इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है भाव, तो इतना बात को याद रखना। अब इसी में और आगे पढ़ाते हैं, समझना बात को। अब देखिए तो ये हो गया, दूसरी तरीके से अब समझना बात को, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। अब कुछ क्या है, बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस है, बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस है। अब यहां देखिए एक बात और को समझना बात को, अगर हम बात करें कुछ बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस है, जैसे देखो ये तो समझ में आ जाएगा। पहला सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या, हीट दे रहे हैं एयर में तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़े, टेम्परेचर का बढ़ उसको सेंस कर, सेंसिबल हीटिंग, डेट इज क्या, कौन सा टेम्परेचर, नॉर्मली डीबीटी का बात करते हैं, डेट सेंसिबल हीटिंग क्या एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कल एग्जाम में। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एयर, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एयर, मतलब क्या, हीटिंग ऑफ एयर बोलने के बाद क्या, कुछ एयर का डीबीटी बढ़ा रहे, इंक्रीजिंग द डीबीटी विदाउट एनी, विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो W है मतलब उस एयर में मास और वाटर वेपर को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, उस एयर में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, मतलब W स्पेसिफिक क्या, कॉन्स्टेंट, उसको क्या कहता है वो, सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग के जस्ट उल्टा क्या है, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग में क्या बाबू, कि आप क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर को कूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, मतलब क्या, डीबीटी को घटा रहे, डिक्रीजेज द डीबीटी विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका एक है ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन बोलने का मतलब क्या, कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, डेट इज एयर में नमी बढ़ा रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू द एयर, मतलब जो सराउंडिंग एयर है, जो सराउंडिंग एयर है उसमें नमी बढ़ा रहे हैं, मतलब वाटर वेपर का मात्रा बाबू बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस एयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, डेट इज
विदाउट चेंज इन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज ह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है भाऊ? तो डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। मतलब जो रूम में एयर अवेलेबल है उससे नमी हटा रहे, नमी हटा रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करे, डिक्रीज करे, डिक्रीजिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विदाउट चेंज इन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब में चेंज नहीं करें तो ये कहलाता है डीह्यूमिडिफिकेशन। कल के एग्जाम में ये चार प्रोसेस याद करके जाना, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, ये चार जरूर याद करके जाना बाबू तुम। और ये चार से ही क्वेश्चन आपको आने का चांसेस रहेगा। तो ऐसे समझो, दम ऐसे समझो पूरा बात को। सेंसिबल हीटिंग डीबीटी बढ़ेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। सेंसिबल कूलिंग डीबीटी घटेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो, कांस्टेंट है। ह्यूमिडिफिकेशन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, डीबीटी कांस्टेंट। और डीह्यूमिडिफिकेशन स्पेसिफिक घटेगा, डीबीटी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे यहाँ एक चीज और समझो, लो हम बना दे रहे हैं एक्सिस। क्या एक्सिस बाबू? यहाँ देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बात को, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पढ़ा है ना जी, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पढ़े हो ना, ये कौन सा एक्सिस है? अरे कौन सा एक्सिस है? लो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये क्या बाबू, एक्स एक्सिस निगेटिव है। ऊपर क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है और नीचे क्या बाबू, वाई एक्सिस निगेटिव है। वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव है। अब यहां देखना बात को, समझना बात को। हॉरिजॉन्टल पे डीबीटी, मतलब अगर आप इधर जा रहे हो तो डीबीटी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। अगर आप इधर मतलब राइट साइड जा रहे हो तो डीबीटी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। डीबीटी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो डीबीटी क्या होगा बाबू, घटेगा। डीबीटी क्या होगा बाबू, घटेगा, डिक्रीजेज। इधर जा रहे हो तो क्या होगा बाबू, डीबीटी बढ़ेगा और इस साइड डीबीटी घटेगा। ऊपर जा रहे हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इंक्रीजेज, और नीचे जा रहे हो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा बाबू, घटेगा। ऐसे समझना, ऊपर जा रहे हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हैं स्पेसिफिक घट रहा है। राइट साइड जा रहे हो तो डीबीटी बढ़ेगा, इधर जा रहे हो तो डीबीटी घटेगा। अब समझना, वह प्रोसेस जिसमें कि डीबीटी बढ़ता हो लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंट है, मतलब इसी लाइन पर शो करेंगे, डेट इज ये क्या होगा बाबू, सेंसिबल हीटिंग। वह प्रोसेस जिसमें डीबीटी घट रहा है स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट है उसको क्या कहते हैं, सेंसिबल कूलिंग, एससी। वह प्रोसेस जिसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है लेकिन डीबीटी कॉन्स्टेंट, मतलब इसी लाइन पे शो कर रहे हैं, डेट इज एसएच, और सॉरी एसएच करें डीएच, डीह्यूमिडिफिकेशन, डीएच। और वह प्रोसेस जिसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घट रहा है लेकिन डीबीटी क्या वो डीबीटी कॉन्स्टेंट है तो नीचे आ रहे हैं, तो मतलब क्या वो डीएचयू, डीह्यूमिडिफिकेशन। अब सुनो बात को, एसएच का मतलब क्या है जी, एसएच का मतलब क्या, एसएच का फुल फॉर्म सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। एससी का मतलब सेंसिबल कूलिंग, एचयू का मतलब ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। और डीएचयू का मतलब डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो फिर से बता रहा हूं, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो क्या बोले बाबू कि राइट साइड डीबीटी बढ़ रहा है, मतलब एसएच, सेंसिबल हीटिंग। लेफ्ट साइड डीबीटी घट रहा है, निगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब सेंसिबल कूलिंग। ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बाबू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। ओमेगा क्या बाबू, ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लो क्या बाबू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो मतलब ह्यूमिडिफिकेशन, और नीचे आ रहे हैं तो स्पेसिफिक घट रहा है, मतलब क्या बाबू, डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या डी, अब दो चीज होता है, एक क्या होता है
कि सुना बात को, एक होता समर एयर कंडीशनिंग और एक होता विंटर एयर कंडीशनिंग। जैसे समझना बात को ध्यान से, विंटर मतलब जाड़े के दिन में भी एसी हम लोग यूज करते हैं और गर्मी के दिन में भी क्या करते हैं बाबू, एसी हम लोग यूज करते हैं। जाड़े के दिन में आपका क्या होना चाहिए, आप कैसे कंफर्ट महसूस करेगा रूम में, कि रूम में जो एयर अवेलेबल है वो गर्म हो, क्या बाबू गर्म हो, और साथ साथ उसमें उस एयर में थोड़ा सा नमी हो। क्यों नमी हो, जैसे समझना बात को ध्यान से फील करो, फील करिए पूरा बात को, कि मान लो कि आप जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ एसी लगा हुआ है, जाड़े का दिन है, आप एसी से क्या चाहिएगा कि भैया ये जो एसी जो रूम में जो एयर सप्लाई कर रहा है वो थोड़ा गर्म हो एयर, मतलब क्या उसका डीवीटी बढ़ा कर हो, और जिसमें डीवीटी बढ़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं बाबू, सेंसिबल हीटिंग, क्या कहते हैं बाबू हीटिंग, क्या कहते हैं बाबू हीटिंग, मतलब हीटिंग है। साथ साथ जाड़े के दिन में हम लोग का बॉडी क्या होता है, सूखा महसूस होता है, स्किन क्या होता है, ड्राई महसूस होता है। तो अगर एयर भी अगर ड्राई रहेगा मतलब उसमें वाटर नमी नहीं होगा ज़्यादा, तो वो एयर और क्या करेगा, हम लोग बॉडी से कॉन्टैक्ट में आएगा और अपने साथ क्या करे, चूंकि गर्म है हवा, एयर गर्म है, तो अपने साथ वाटर को लेकर और चला जाएगा, तो इससे हम लोग का स्किन और क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो क्या चाहेंगे, कोई एयर जो आ रहा है रूम में उसमें थोड़ा सा नमी हो, मतलब क्या उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, डेडी अगर उसमें मॉइस्चर भी बढ़ा हुआ होना चाहिए और उसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, मतलब डीवीटी भी बढ़ा होना चाहिए और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ना चाहिए। तो स्पेसिफिक अगर बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन, और डीवीटी बढ़ता क्या हो, हीटिंग। मतलब क्या कि विंटर एयर कंडीशन सिस्टम में क्या होता है कि हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होता है। लेकिन अगर हम अगर बात करें समर का बात करें, तो समर में क्या चाहते हैं, जिस रूम में आप रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो बाबू, कि आपका एयर का थोड़ा कम हो, मतलब कूलिंग महसूस हो। साथ साथ गर्मी के दिनों में आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब स्किन के ऊपर मॉइस्चर नमी ज़्यादा है, तो आप चाहिएगा कि जो एयर रूम में है तो मेरे बॉडी से कॉन्टैक्ट में आए, वो एयर अपने साथ इस पसीने को जो वाटर के फॉर्म है इसको लेकर चला जाए। ये कब लेकर जाएगा एयर, जब एयर प्यासा होगा तब ना, मतलब उस एयर के पास पहले से वाटर कम होगा तब ना, मतलब क्या हम चाहेंगे कि जो एसी जो सप्लाई कर रहा है रूम में एयर, वो वैसा एयर सप्लाई करे जो उसके पास वाटर नमी कम से कम हो, मतलब नमी कम से कम, मतलब क्या स्पेसिफिकली कम है, मतलब डीह्यूमिडिफिकेशन, और उसका टेम्परेचर कम है, मतलब क्या कि सेंसिबल कूलिंग। तो मतलब क्या समर में आपको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, समर में जो कॉम्बिनेशन चाहिए कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन चाहिए। और इसी पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है बाबू पिछले बार, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, डैश 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 प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग में क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो समर एयर कंडीशनिंग में आपको क्या चाहिए बाबू, कि आपको कूलिंग चाहिए और डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस बार अगर विंटर वाला आ गया कि विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या चाहिए बाबू, विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या चाहिए सर, डीबीटी का एक्सिस से क्या रिलेट किए, डीबीटी का जैसे समझना बात को एक बताते हैं, रुक जाओ वेट करो तू। अब यहां देखो, अगर इस पर विंटर वाला आ गया तो विंटर में क्या हो जाएगा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना, अगर विंटर वाला आता है तो बी हो जाएगा और समर वाला में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो याद रखना, तो ये सब चीज थोड़ा सा क्या कि देखिए समर विंटर ये सब जो बात कर रहा है ना, इसीलिए ये सब पढ़ाया जाता है। अब डायरेक्ट आपको सिलेबस में क्या किया है कि समर एयर कंडीशनिंग और विंटर एयर कंडीशनिंग लिख दिया। अब उसमें बाबू बताओ कि कूलिंग, डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ये सब पता ही नहीं रहा तो कैसे समझ में आएगा, इसीलिए इतना पढ़ाना पड़ता है। सिलेबस तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, सिलेबस आपका बहुत वास्ट कर चुका है, ऐसे सिलेबस नहीं बनता है, लेकिन क्या करें, दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो विंटर कंडीशन में क्या कम्बिनेशन होगा बाबू, विंटर में क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए और थोड़ा सा क्या बाबू कि आपका हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, मतलब क्या हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब जो बच्चे इसको रट गया वो अलग बात है, लेकिन समझना जरूरी है कि ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हीटिंग का मतलब क्या होता है। तो यही हम कहेंगे कि आपको कल के एग्जाम में भी आपको सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन लिखने के लिए आएगा, आपको समझना होगा।
इतना समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक डॉली पूछ रहे कि सर कैसे कोरिलेट कर दिए, देख लो आज कोरिलेशन जो हम बात किए थे ना यहाँ पे देखो, अरे हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव में बढ़ते क्रम दिखाते हैं और निगेटिव में क्या घटते क्रम, तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड सेंसिबिलिटी बनने का मतलब कि अगर इधर जा रही डीवीटी बढ़ रहा है मतलब सेंसिबल हीटिंग, इधर जा रही डीवीटी घट रहा है मतलब सेंसिबल कूलिंग, ऊपर जा रहे हैं तो स्पेसिबिलिटी बढ़ रहा है मतलब ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन, और नीचे आ रहे हैं मतलब स्पेसिबिलिटी घट रहा है निगेटिव बाई एक्सिस मतलब इसको हम क्या दिखाए बाबू डीह्यूमिडिफिकेशन, ऐसे दिखाने कोशिश किए। अब बताओ कि विंटर में अगर बात करें विंटर में क्या था, विंटर में दोनों कॉम्बिनेशन था क्या क्या, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या बीच वाला जोन, यही तो है ये, अगर यहाँ पे अगर ले रहे तो दोनों का इसका इसका कॉम्बिनेशन दोनों है मतलब क्या हो एस एच प्लस एच यू, और अगर समर का बात करें तो ये कर जाएगा बाबू आपका एस सी प्लस डी एच यू हो जाएगा बाबू। तो देखिए एक चीज और याद रखना यहाँ से, ये कि यहाँ पे विंटर विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंडीशनिंग सिस्टम, और इधर क्या बाबू ये जो है ये कहाँ बाबू समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो है बाबू यहां पे क्या जगह एस सी प्लस एच यू, देखिए याद रखना ये जो कॉम्बिनेशन है उसको डेजर्ट कूलर कहा जाता है, अब इतना भी समझने का टाइम नहीं केवल याद रखो डेजर्ट कूलर, कहने का मतलब ये है कि ये जो डायग्राम बना दिए हैं ये डायग्राम तुम याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा, मतलब हम ये भी कह रहे तुमको आज कि सेकेंड जो पार्ट है एयर कंडीशनिंग, जो सेकेंड जो पार्ट है एयर कंडीशनिंग उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं बाबू, और इतना अगर बात तुम याद रखे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुमसे नहीं छूटेगा, जैसे पहला पार्ट ये वाला जो क्वेश्चन के साथ बनवा दिए थे कहाँ गया जी पहला पार्ट ये वाला कहाँ गया, हाँ ये डीबीटी सैचुरेटेड एयर के लिए डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीपीटी, अनसैचुरेटेड के लिए डीबीटी ग्रेटर होता है डब्ल्यूबीटी से ग्रेटर डीपीटी से, सैचुरेटेड के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% और बेटवल डिप्रेशन क्या हो जीरो, बेटवल डिप्रेशन डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, पहला चीज ये याद रखना। दूसरा ये वाला डायग्राम सेंसिबिलिटी बोलने का मतलब डीबीटी बढ़ता एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सेंसिबल कूलिंग का मतलब डीबीटी घट रहा एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा एट कांस्टेंट डीबीटी, और डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घट रहा है किसके अति डीबीटी कांस्टेंट है, अब दोनों को मर्ज करो क्वाड्रेंट में जाओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या जाएगा एस एच और एच यू का कॉम्बिनेशन मतलब सेंसिबिलिटी प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता बाबू तो विंटर एयर कंडीशन सिस्टम में, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में देखो सेंसिबल कूलिंग प्लस डी एच यू कहाँ यूज होता बाबू समर एयर कंडीशन सिस्टम में, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट ह्यूमिडिफिकेशन प्लस सेंसिबल कूलिंग उसको कौन सा कॉम्बिनेशन डेजर्ट कूलर, तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही आएगा इतना बस। अब देखिए एक और समझो समर एयर कंडीशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, जैसे आएगा क्या कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, एयर कंडीशनिंग का तो अलग चीज़ है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या भाव जो ये एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड कर, जैसे क्या होता है कि एक होता है इंडोर और ये दूसरा क्या होता है भाव आउटडोर, इसके अलावा बहुत सारा अरेंजमेंट होता है भाव इंडोर और एक क्या भाव आउटडोर क्या होता है आउटडोर, तो मतलब जो प्रोवाइड दैट इज इट इज ए सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का बात करें वेंटिलेशन मतलब प्योरिटी ऑफ एयर का बात करें टेम्परेचर का बात करें किसी बिल्डिंग में ऑफिस में या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में टू मेंटेन ए कोल्ड कूल एटमोसफियर इन वार्म कंडीशन, या वार्म कंडीशन का मुकाबला या कोल्ड एटमोसफियर आपको मेंटेन करना तो उसे जो सिस्टम प्रोवाइड कर उसको एयर कंडीशन सिस्टम कहते हैं। अब जैसा ऐसा पर्पस है घर के लिए यूज कर रहे हो कि इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हो, इंडस्ट्री में भी एसी सी यूज होता है बाबू, मॉल में जाते हो तो बड़े बड़े एसी यूसी लगा हुआ रहता है, तो डैडी एयर कंडीशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके का हो सकता है। पहला अकॉर्डिंग टू द पर्पस, किस पर्पस के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाएं, एक होता है कंफर्ट एयर कंडीशन जो घर में लगाते हैं कंफर्टनेस के लिए लगाते हैं, और इंडस्ट्री में अलग पर्पस रेडी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशन सिस्टम। दूसरा अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ ईयर,
अब यहां देखिए ध्यान से समझना बात को, ध्यान से क्या बोले कि डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सीजन, क्या वो अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ ईयर, कौन से सीजन में आप यूज कर रहे हैं, तो एक कहलाता है विंटर में यूज कर रहे हैं तो विंटर एयर कंडीशन सिस्टम, समर में यूज कर रहे हैं तो समर एयर कंडीशन सिस्टम, पूरे साल यूज कर रहे हैं तो एक कहलाता है ईयर राउंड एयर कंडीशन सिस्टम। अब जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट्री एक जगह पे या सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम, तीसरा जो सबसे मोस्ट जो क्लासिफिकेशन है डेट इज समर और विंटर, समर और विंटर, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते, एक को वर्किंग समझ जाओगे दूसरा समझ जाओगे बाबू। तो जैसे मान लो कि समर एयर कंडीशनर, तो एक चीज़ तो समझ में आता है ना कि एक क्या होता है इंडोर और एक क्या होता है आउटडोर, क्या होता है एक इंडोर और दूसरा क्या होता है आउटडोर। अब समझना बात को ध्यान से थोड़ा सा कि जैसे कि हम विंटर ही समझ लो, विंटर एयर कंडीशन सिस्टम ही समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट, इन विंटर एयर कंडीशन सिस्टम द एयर इज बर्नड एंड हीटेड। जैसे समझना बात को होता क्या है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, ये रूम है, ये क्या हो रूम है जहां पे आप रह रहे हो, ये पूरा क्या हुआ आपको रूम है, ये आपको पूरा क्या हुआ ये रूम है, समझना ध्यान से, ये आपका पूरा क्या हुआ रूम है, ये आपका ये रूम है, ये वाला आपका रूम है जहां आप रह रहे हो, आप इस रूम में रह रहे हैं, समझना बात को ध्यान से, आप इस रूम में रह रहे हो, मान लो आप ही हैं, मतलब क्या आपका चित्र बना देते, लो आप इस रूम में रह रहे हो, आप रूम में रह रहे हो, गर्म जाड़ा का दिन है, आप क्या चाहिएगा थोड़ा सा समझना, आप क्या चाहिएगा कि भैया यहाँ जो एयर जो अवेलेबल है, एयर जो अवेलेबल है वो क्या हो, थोड़ा गर्म हो और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा हो और उसका मतलब डीबीटी ज़्यादा, मतलब सेंसिबल हीटिंग हो। इसके लिए एक फैन है, मतलब जो इंडोर होता है ये एयर सप्लाई करके दे रहा है आपको, बहुत इंडोर एयर सप्लाई करके दे रहा है, एयर सप्लाई करके दे रहा है। इसके बाद आप इस एयर का पूरा फीलिंग ले ले, कंफर्ट ले ले, वो एयर क्या किया कि यहाँ से हीट जो आप रिलीज किए या वस्तु, तो वो कंज्यूम कर अब क्या फिर से वापस इस एयर को बाहर भेजता, वो बाहर भेजा रिसर्कुलेट, तो वहाँ से क्या होता है कि आउटडोर होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो इस रूम से जो एयर आया पूरे एयर को बाहर आउटडोर रिजेक्ट नहीं करता है, कुछ एयर को क्या करता है रिजेक्ट करता है, बाकी क्या होता है कि बाहर से कुछ एयर फ्रेश एयर बाहर कुछ लिया आउटडोर, और इधर से जो रूम से जो एयर है डेडी उसी एयर को वापस, और बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, तो दोनों के यहाँ पे मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग हुआ। अब यहाँ पे एक होता है इसके अलावा एक फिल्टर लगा हुआ रहता है, ये फिल्टर क्या कर बाहर से जो एयर आया बाबू, तो बाहर क्या हो सकता है बाबू, पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, डस्ट हो सकता है, तो ये सब को क्या करते हैं फिल्टर क्या करता है बाबू, कि फिल्टर जब पास करता है तो जितना भी डस्ट उस्ट है इसको सेपरेट आउट कर देता है, तो यहाँ से फ्री ऑफ डस्ट आगे एयर बढ़ा। उसके बाद अब इस एयर को क्या करना है, एक होता है प्री हीटर, मतलब क्वाइल होता है, अरे क्या होता है क्वाइल होता है, क्या होता है क्वाइल, ये थोड़ा गर्म होता है, क्या होता है गर्म होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर होता है, तो जब ये पूरा एयर इस क्वाइल के ऊपर से पास करता है तो थोड़ा सा क्या होगा गर्म होगा बाबू, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा एयर का। उसके बाद यहाँ पे एक होता है ह्यूमिडिफायर लगाओ, मतलब क्या ये ह्यूमिडिफायर कहने का मतलब क्या कि आप जाड़े के दिन में क्या चाह रहे हो, आप जाड़े के दिन में चाह रहे हैं कि अंदर में जो एयर जो सप्लाई कर रहा है उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब क्या ये ह्यूमिडिफायर क्या करता है कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या करता है इस एयर में ऐड करता है, क्या करता है ऐड करता है, उस एयर के साथ जो आ रहा है उसमें ऐड कर रहा है, तो इससे कह रहा है कि इस एयर में वाटर वेपर का मात्रा बढ़ गया। अगर उस वाटर जो ऐड किए एयर में अगर उसको गर्म फिर से नहीं करेंगे तो उसमें कनकनी ज़्यादा रहेगा, तो मतलब क्या कि आपको ठंडा लगेगा, तो इससे क्या कि फिर से एक और कॉइल होता है जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है, उसको होता है रीहीट कॉइल, क्योंकि ऑलरेडी आप एयर को यहाँ पर गर्म कर चुके पहले ही, लेकिन फिर से हीट कर रहे हैं, और यहाँ के बाद जब एयर जब पास होता है तो हाई टेम्परेचर जितना आपको डिजायर्ड होता है सेटिंग जो आप करते हैं उस पर, तो उसके बाद यहाँ से हाई टेम्परेचर पे एयर साथ साथ जितना आपको मॉइस्चर देना था उतना देने के बाद फिर से फैन क्या करता है इस एयर को सप्लाई करता है। ये प्रक्रिया चलते रहता है, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है, यही कराता है विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जब भी लिखने के लिए आवे तो आप इतना करोगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं आएगा मेरा यही मानना है। अगर कल के एग्जाम में आया भी ना बाबू तो इतना बात समझ लेना, इतना मत समझो, अगर आया भी एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि कल मेनली हम बोल रहे हैं क्या कि इतना ही आएगा, आप बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ लो चारों को, समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम पढ़ लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम कितना होता है, ये विंटर में ये डायग्राम अगर याद होता है तो याद करो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद हो जाना चाहिए। अब इसी जो बोले थे वही यहाँ पे लिखो, जैसे देखिए क्या है समझना बात को,
द आउटसाइड एयर फ्लोज थ्रू ए डैम्पर, मतलब होता है क्या कि आप जो आउटडोर डूर देखते हैं ना बाबू, आउटडोर तो वहाँ पे ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है, तो यहाँ से आउटसाइड एयर इंटर किया बाबू विथ रिसर्कुलेटेड एयर। द मिक्सड एयर मतलब क्या कि ये जो रिसर्कुलेटेड रूम से जो एयर आया इधर से रिसर्कुलेटेड एयर और बाहर से एयर दोनों पे मिक्स हुआ, तो ये लिख रहा है द मिक्सड एयर पासिस थ्रू ए फिल्टर, ये दोनों एयर अब यहाँ पे क्या वो फिल्टर है, मतलब ये फिल्टर क्या करेगा बाबू कि इसमें जो भी डस्ट या पार्टिकल सब होगा उसको सेपरेट करेगा, डर्ट डस्ट एंड इम्प्यूरिटी जो भी इम्प्यूरिटी उसको अलग करेगा। द एयर नाउ पासिस थ्रू ए प्री हीट कॉइल, अब यहाँ से एयर पूरा एयर कहाँ से पास कर रहा है बाबू, जो यहाँ पे क्या प्री हीटर कॉइल है मतलब हीटिंग कॉइल है, अब जो हीटिंग कॉइल है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब ये एयर इस कॉइल के ऊपर से पास करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा बाबू बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा बाबू बढ़ेगा, इसका मतलब क्या कि इसके बाद उसके बाद कहाँ से पास होता है टू प्रिवेंट द पॉसिबल फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड टू कंट्रोल द इवापोरेशन। अब उसके बाद इस वाटर को ये जो एयर आया एक होता है ह्यूमिडिफायर लगा हुआ था, ये क्या करता है वाटर कंटेंट बढ़ा मतलब ऐड कर देता है किसमें इस एयर में, उसके बाद एक और क्या रीहीट कॉइल है इसके वजह से पास किया उसके गर्म हवा और उसमें जो जितना नमी आपको देना ये सभी का मिक्सचर करेक्ट मिक्सचर बनकर इस कंडीशन में जिस रूम में आप रह रहे वहाँ सप्लाई कर रहा है, तो इसका लिखा हुआ लैंग्वेज समझ जाना। अगर विंटर एयर कंडीशनिंग आ रहा है तो केवल आप एक क्या करो बाबू कि पॉइंट लिख दो, डायग्राम बना दो, और जो आप साइकिल समझे हो ना डायग्राम उतना ही अपने लैंग्वेज लिख दो, इतना ही है। इसी के अलावा एक होता है समर एयर कंडीशन सिस्टम, समर में क्या चाहिए, समर में रूम में जो एयर है वो कोल्ड एयर चाहिए और क्या चाहिए बाबू थोड़ा सा डीह्यूमिडिफ मतलब नमी कम रहे, तो देखिए ये आपका कंडीशन रूम है, ये आपका क्या बाबू कंडीशन रूम है, ये क्या आपका कंडीशन रूम है, तो यहाँ का आपको क्या चाहिए बाबू थोड़ा सा सेंसिबल कूलिंग और क्या वो DHU मतलब डीह्यूमिडिफायर। तो यहाँ देखिए यहाँ से रूम वाला एयर आया कुछ अमाउंट ऑफ एयर बाहर से फ्रेश एयर लिया, दोनों यहाँ पे मिक्स हुआ एयर, इसके बाद क्या होता है फिल्टर लगा हुआ, फिल्टर से चला गया, अब वहाँ पे क्या था हीटिंग कॉइल था, यहाँ पे क्या कूलिंग कॉइल है, मतलब क्या कि यहाँ से जो एयर का जो टेम्परेचर हीट है वो हीट जब एयर इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास करेगा तो मतलब क्या एयर अपना हीट लूज करेगा, इससे टेम्परेचर क्या वो कमेगा, टेम्परेचर क्या वो कमेगा। और साथ साथ क्या होगा बाबू कि यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है कि आगे चलाते इसमें नमी भी कम कराना, तो यहाँ से वाटर पेपर हटेगा और वाटर कहाँ कलेक्ट होगा नीचे कलेक्ट होगा, उसके बाद क्या होता है आप सुना बात को कि फिर से अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल थोड़ा सा क्या एयर को गर्म कर रहे हैं, उसके बाद ये फ्रेश एयर क्या हो रहा है कि आपको रूम में क्या कर रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये डायग्राम तो देखना केवल चेंजेस क्या रहा बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको विंटर वाला में हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल है और यहाँ पे क्या ह्यूमिडिफायर है, तो यहाँ पे क्या हो आपको एक कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल और एक डीह्यूमिडिफायर लगा हुआ रहेगा, बाकी पहले भी फिल्टर है और ये आउटसाइड इधर से आया ये कंडीशंस पे, तो डायग्राम क्या आपको सेम है केवल बात यही याद रखना है कि कूलिंग और एक क्या हो डीह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, डीह्यूमिडिफिकेशन इतना बात, लेकिन इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछना चाहिए इस लेवल पे, हम मेरा यही मानना है, बाकी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए। बाकी इतना समझना बात को कि 5.2 पार्ट जो है सेकेंड पार्ट इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन में और तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और आप हमेशा कंप्रेसर पढ़ के जाना, कंप्रेसर में क्वेश्चन बना के आना इस लेवल पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई सप्लीमेंट नहीं है बाबू, और ऑब्जेक्टिव 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो इतना बात बोले शुरू में वही तुम पढ़ के जाओ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं तुम कर सकते अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या कि एक कोई पूछा सर कौन सा क्वेश्चन तुम बोला था जी, कोई कुछ बोलो क्वेश्चन भी बोला था क्या, सब क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दिए थे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक और क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है लेकिन DBT बढ़ा रहे, डेट इज क्या बाबू सेंसिबल कूलिंग, कहाँ गया जी सॉरी सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, देखो पूछे थे बोले थे ना कि चारों प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकता है, तो सेंसिबल हीटिंग में क्या है, देखो सेंसिबल हीटिंग में DBT क्या हो रहा बाबू, देखो DBT क्या हो रहा है बढ़ेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा बाबू कांस्टेंट, लो लिख दे रहे हैं पे, सेंसिबल कूलिंग में क्या हो जाएगा DBT घटेगा लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या बाबू कांस्टेंट है, ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, डीबीटी क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा। डीबीटी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। और डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा कि आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटेगा और आपका डीबीटी क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ पहले ही तो पढ़ा चुके हैं, इसे पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको आपको समझना होगा। बाकी इतना ही तैयार करके जो यहाँ हम ऐसा कहेंगे कि सेकंड पार्ट वाला में कन्वेंशनल क्वेश्चन जो रहेगा उसमें और का ऑप्शन रहेगा, जरूर आसान होगा। लेकिन बेसिक अगर क्वेश्चन आवे तो ऐसा ना हो कि बेसिक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बने, बेसिक क्वेश्चन बना देना। अगर बहुत टफ क्वेश्चन है तो छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की जितना बात बोलें उतना ही तुम करें। बाकी इस पर 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि मार्क करके मत आंसर वो हम ग्रुप में डाल देंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा क्या करना पढ़ना, बाकी इतना ही रखो, बाकी आपको रोशन सर पढ़ाएंगे 7 बजे से, ठीक।